हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल. मैं पूजा पिपटू, लॉ ऑफ एगिलिटी. वेलकम टू फिल द फॉर्म. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप इन ग्रुप से, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इनसे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो हो सकते हैं. और साथ ही साथ पेपर वन और पेपर टू के वेरियस अलग अलग सब्जेक्ट्स के कोर्सेज जो है वो फिलर फॉर्म ऐप में चलाए गए हैं. यदि आप किसी में भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो हो सकते हैं. और साथ ही साथ यदि आप हमारा कोर्स परचेज करेंगे तो आप मिलेंगे नोट्स, पीवाईक्यू विद आंसर एंड 100+ मॉक टेस्ट. और साथ ही साथ यदि आपके आसपास किसी ने भी या आपने भी कहीं हमारा ये कोर्स परचेज करना हो तो आप बोल सकते हैं कि यदि आप पूजा 10 कोड यूज करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा. थैंक यू सो मच. गुड आफ्टरनून गुड़िया. ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? एक मिनट वेट कर लेते हैं, तब तक बाकी आ जाएंगे जिन्होंने भी आना हो. आज फिर से स्लाइड्स. एक मिनट एक मिनट एक मिनट वेट करिएगा. बात करते हैं हम लास्ट जो हमारा सेशन था वहां पर हमने क्या क्या डिस्कस किया था. तो हमने पार्लियामेंट जो है वो स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, और दो तीन ही आर्टिकल हमारे हो पाए थे इस लास्ट क्लास में, ठीक है. बात करते हैं 79. इससे पहले हमने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सभी को देख लिया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी देख लिया है, ठीक है. आर्टिकल 78 तक पूरा कंप्लीट जो है वो हम कर चुके थे. अब बात करते हैं आर्टिकल 79 जो कि बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट. तो आप जानते हैं कि हमारे पार्लियामेंट में टू, जैसे कि हमारे पार्लियामेंट में कौन कौन इंक्लूड होते हैं. एक तो हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है, प्लस हमारे लोकसभा एंड राज्यसभा. देयर शेल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन विच शेल कंसिस्ट अ प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस टू बी नोन एज अ रिस्पेक्टिवली काउंसिल ऑफ स्टेट एंड, ठीक है, जिनको कि हम काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपल के नाम से जानते हैं. काउंसिल ऑफ स्टेट को हम राज्यसभा भी बोलते हैं, ठीक है. राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं. साथ ही साथ अपर सदन जो है वो भी बोला जाता है, ठीक है. और जो हमारा हाउस ऑफ पीपल है इसे हम लोकसभा भी बोलते हैं और साथ ही साथ लोअर सदन जो है वो भी बोला जाता है, ठीक है. ये हमने देख लिया था. और आर्टिकल 80 में हम बात कर रहे थे, आज रश्मि नहीं आए हैं अभी तक क्लास में. आर्टिकल 80 में हम बात कर रहे थे कि कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है. काउंसिल ऑफ स्टेट हम किसको बोलते हैं? राज्यसभा को, ठीक है, राज्यसभा को. काउंसिल ऑफ स्टेट कंसिस्ट करता है, इसके बोला है 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाएंगे प्रेसिडेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ क्लास 3, ठीक है. बोला है कितनी नहीं होने चाहिए, नॉट मोर देन 238 रिप्रेजेंटेटिव. बोला है कि जो हमारे 238 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट, ठीक है, एंड द यूटीज, ठीक है, ये जो है वो इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, नॉट मोर देन होने चाहिए. और साथ ही साथ बोला द एलोकेशन ऑफ सीट इन द
काउंसिल ऑफ द स्टेट टू बी फिल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट, ठीक है, जो हमारे, आप जानते हैं कि हमारे राज्यसभा का इलेक्शन जो होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट नहीं होता है. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब मैंने आपको उस दिन भी समझाया था कि डायरेक्ट इलेक्शन में आप खुद किसी को वोट डालते हैं और खुद अपना प्रतिनिधि जो है वो चुनते हैं, तो आप वो इलेक्शन होता है डायरेक्ट. और जब आपके द्वारा चुने गए, जैसे कि आपने चुना एमएलए को आप चुनते हैं, ठीक है, जो हमारे लोकसभा के मेंबर होते हैं जिनको कि हम डायरेक्ट वोट डालते हैं, वो होते हैं हमारे डायरेक्ट इलेक्शन. और इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं जो जो कि किसके द्वारा चुने जा रहे हैं, जो आपने चुने हैं, फॉर एग्जाम्पल एमएलए, ठीक है, और लोकसभा के मेंबर, ठीक है, उनको आप चुन रहे हैं, और उन और आपके द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं वो आगे किसी और का इलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, किसी और को चुन रहे हैं, वो होते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है. तो बोला है कि जब हम कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट में देखते हैं, तो फर्स्ट में आप याद रखेंगे कि पहले तो बोला कि 12 मेंबर, ठीक है, बोलते हैं 250 से ज्यादा मेंबर जो है वो नहीं होने चाहिए, मतलब 250 से ज्यादा लोग नहीं होंगे, मेंबर नहीं होंगे, जिसमें से 238 जो है वो कहाँ से आएंगे, हमारे यूटी से, और साथ ही साथ स्टेट से, जो रिप्रेजेंट स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे वो आएंगे, और 12 मेंबर जो है वो नॉमिनेट किए जाएंगे. आप, मैंने उस दिन भी बताया था 12 मेंबर कैसे नॉमिनेट किए जाते हैं, तो जिनको कि क्या हो, स्पेशल नॉलेज हो, हैविंग द स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ किसी भी मैटर में हो सकता है, चाहे आप लिटरेचर में बात कर लीजिए, साइंस में बात कर लीजिए, या आर्ट में बात कर लीजिए, ठीक है. आप देखते होंगे कि कई बार हमारे प्लेयर, जैसे कि हमारे प्लेयर हो गए या हमारे जो एक्टर होते हैं, ठीक है, उनको भी राज्यसभा का मेंबर जो है वो चुन लिया जाता है, ठीक है, या कोई भी ऐसा एजुकेटेड पर्सन जिसने कि अपनी विशेष उपाधि, अपने काम में बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल करी हो, उसको क्या बना दिया जाता है, राज्यसभा का मेंबर जो है वो बना दिया जाता है, ठीक है. और जैसे कि हमारी रेखा जो है वो राज्यसभा की मेंबर रह चुकी है, ठीक है, और मतलब इसी तरीके से जिनको कि स्पेशल नॉलेज है किस क्षेत्र में, चाहे लिटरेचर में, चाहे आर्ट में, या चाहे सोशल सर्विस में, इन सभी के क्षेत्र में, मतलब अपने अपने किसी भी क्षेत्र में उन्होंने कोई विशेष उपलब्धि हासिल की है, तब उन्हें जो है वो अपॉइंट कर लिया जाता है. गुड़िया, समझ में आ रहा है, ठीक है, बता दीजिए मेरे को कि समझ में आ रहा है. फिर है कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच स्टेट, काउंसिल ऑफ द स्टेट शैल बी इलेक्टेड होंगे बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव ऑफ द स्टेट, बोला है जो काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा के जो मेंबर होंगे उनको कौन इलेक्ट करेंगे, तो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट के मेंबर, ठीक है, मतलब एमएलए हमारे, ठीक है, और इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, इसका मतलब है कि सिंगल ट्रांसफरेबल ऑफ वोट, मतलब एक पर्सन को एक ही वोट देने का जो है वो राइट हो, ठीक है, और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन यूटीज, ठीक है, और साथ ही साथ बोला है ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूटीज यूनियन टेरिटरीज एंड काउंसिल ऑफ स्टेट शेल बी चूज इन सच मैनर पार्लियामेंट बाय द लॉ प्रेस्क्राइब, ठीक है. रश्मि, गुड आफ्टरनून, आपका वेट कर रहे थे हम, थोड़ी सी लेट हो गए आप. कोई बात नहीं, हम सिर्फ रिवाइज ही कर रहे हैं अभी तक. जैसे 79 में हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, जहां पर बात करी थी कि पार्लियामेंट किससे बनती है, तो हमारे एक प्रेसिडेंट होंगे और टू हाउस ऑफ पीपल, जैसे कि एक जो हमारा लोकसभा और राज्यसभा और हमारा प्रेसिडेंट है, उनसे उनको मिलाकर क्या बनती है, हमारी पार्लियामेंट बनती है, ठीक है, जिसमें हमने कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट भी देखा था, ठीक है. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम अभी तक बहुत ज्यादा नहीं किया है, ठीक है. तो कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट हमने देखा कि राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा को बोला कि नॉमिनेट करेंगे, होंगे हमारे 12 मेंबर, ठीक है, जहां पर आप देखते हैं कि हमारे जो 12 मेंबर हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, और जो 2 मेंबर हैं जो कि एंग्लो इंडियन, वो कहाँ से नॉमिनेट किए जाते हैं, तो हमारे लोकसभा से किए जाते हैं, ठीक है, जिसको कि हम आगे देखेंगे. यहाँ पर हमने यही देखा कि जो 12 मेंबर हैं वो राज्यसभा से जो है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे, और वो किस क्षेत्र में होंगे, जिनको कि स्पेशल नॉलेज है, स्पेशल प्रैक्टिकल नॉलेज है, उनको अपनी फील्ड में बहुत अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया है, उसी के हिसाब से जो है वो उनको नॉमिनेट किया जाएगा. और बोला कि नॉट मोर देन होनी चाहिए, 238 मेंबर से ज्यादा जो है वो नहीं होनी चाहिए. कहाँ से
कौन जो है वो इनको इलेक्ट करेंगे, तो हमारे स्टेट के जो हमारे एमएलए होते हैं वो इनका इलेक्शन करेंगे। साथ ही साथ बोला है हमारी, और किस तरीके से इलेक्शन होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो दिया जाएगा, मतलब एक पर्सन को एक ही वोट देने का जो राइट होगा, ठीक है। और जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डीयूटी और इन काउंसिल ऑफ द स्टेट शैल बी चूजन इन सच मैनर एज प्रिस्क्राइब बाय द लॉ, ठीक है। ठीक है, फिर बात करते हैं हमारा 81, 80 आर्टिकल 81 जो है वो वहां पर बात करी है कॉम्पोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। सब्जेक्ट टू ठीक है, जो हमारा वो है कॉम्पोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, लोकसभा बोलते हैं, ठीक है, हाउस ऑफ पीपल लोकसभा। बोला है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन, हमारा आर्टिकल 331 में हाउस ऑफ पीपल्स कंसिस्ट करता है नॉट मोर देन 530 मेंबर्स, ठीक है, कि 500 से 530, 530 से ज्यादा मेंबर जो है वो नहीं होने चाहिए, चूजन बाय द डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है, जो कि डायरेक्ट इलेक्शन करवाए जाएंगे, और साथ ही साथ बोला है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट से होंगे। और फिर बोला कि नॉट मोर देन 20 मेंबर, 20 मेंबर कहाँ से आएंगे, यूटी से आएंगे, ठीक है, यूनियन टेरिटरी से आएंगे। हमारे 530 जो कहाँ से बताए, हमारे स्टेट से बताए, और 20 मेंबर जो है वो आएंगे हमारे यूटी से, और चूजन इन सच मैनर एज अ पार्लियामेंट में बाय द लॉ प्रोवाइडेड, ठीक है। फिर बोला है फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज ए एंड क्लॉज सब क्लॉज वन, ठीक है, देयर शेल बी अलॉटेड टू ईच स्टेट, वेलकम टू जिब्रान, क्या नाम है आपका, और आपको आपका बहुत बहुत वेलकम। इससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमने जुरिस्प्रूडेंस को कंप्लीट कर लिया है, आप इन वीडियो को भी देख लीजिएगा, ठीक है। आपकी न्यू एडमिशन हुई है मैम एंग्लो इंडियन, तो अब हट गए, एक्चुअली मैंने अपने बैरक से पढ़ा, शायद मेरा थोड़ा सा पुराना है और मेरे को इस बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन बस आपने बता दिया है, मैं आपको कंफर्म करके कल बता दूंगी, ठीक है, ओके। हाउस ऑफ पीपल इन सच मैनर एंड दैट द रेशन बिटवीन द नंबर एंड पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट सो फार एज अ प्रैक्टिकेबल द सेम सेम फॉर द सेड स्टेट, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। एक तो बोल दिया कि कितने नहीं होने चाहिए, 530 से कहां से होने चाहिए, डायरेक्ट आपके स्टेट से आएंगे, 530 से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है, स्टेट से 530, ठीक है, और आपके यूटी से यूनियन टेरिटरी से कितने, किससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, 20 मेंबर से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद सब क्लॉज में भी हमें दिया गया है कि ईच स्टेट शेल बी डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल, और हर एक जो भी मैंने उस दिन भी बताया था कि हर एक जो, हाँ जी हाँ जी रश्मि, 530, और हर एक जो स्टेट होता है वो डिवाइड होता है टेरिटरी के बेस पर, ठीक है। मतलब आप देखेंगे कि कोई भी आपका स्टेट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने की ही बात कर लेती हूँ, उस दिन भी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि हमारे हिमाचल में 30 जो मेंबर है, ठीक है, वो जाते हैं हमारे राज्यसभा के, और 4 मेंबर जो है वो जाते हैं लोकसभा के, ठीक है, जिनको कि किस तरह से डिवाइड किया गया है, एक तो अकॉर्डिंग विद द पॉपुलेशन एंड टेरिटरी के बेस पर, हाँ जी रश्मि, यूनियन टेरिटरी से 20, ठीक है, कि किस तरीके से उनका डिवाइडेशन किया जाता है, अलॉट किया जाता है स्टेट और नंबर ऑफ सीट को, तो पीपल इन सच मैनर अ रेशियो बिटवीन द नंबर एंड पॉपुलेशन, ठीक है, कि हम रेशियो देखेंगे नंबर ऑफ पॉपुलेशन की और अपनी टेरिटरीज को देखेंगे, ठीक है। और जो हमारा यही है, ठीक है, ये जो स्टेट टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया जाता है इन सच मैनर द रेशियो बिटवीन द पॉपुलेशन एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। और हमारा सब क्लॉज 3 जो है वो बात करता है इन दिस आर्टिकल द एक्सप्रेशन पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन मीन हम किस तरीके, बोला है पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या का शब्द अर्थ है जनसंख्या, जैसा कि पिछली हम जनसंख्या पॉपुलेशन कहाँ से काउंट करेंगे, जो हमारी जनगणना हो चुकी है, मतलब जिस टाइम इलेक्शन हो रहा है उस टाइम की, उससे पहले की जो इलेक्शन जनगणना हुई है उसके अकॉर्डिंग हम काउंट करेंगे पॉपुलेशन, ठीक है। यहां तक सभी को समझ में आ गया है, तो नेक्स्ट चलते हैं।
ठीक है, फिर बोला है रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसेस, कि जब भी प्रत्येक जनना के बाद जो है वो पुनः समायोजन होगा, ठीक है, अपॉन द कंप्लीशन ऑफ ईच सेंसेस, जब हमारी जनगणना जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, ऑल एलोकेशन ऑफ सीट। आप जो न्यू स्टूडेंट आए हैं, ये जो जिवरान है, आपने फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहे हैं, ऐसे पहले भी करी? ठीक है, बोला है सीट ऑफ हाउस ऑफ द पीपल टू ऑल स्टेट एंड डिवीजन ऑफ द स्टेट इन टू द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि टेरिटोरियल मतलब जुरिस्ट, जो आपका एरिया होता है, टेरिटरी होती है, उसके बेस पर आप डिवाइड किया जाएगा, ठीक है, और रीएडजस्ट किया जाएगा कि कितने एरिया के लिए, ठीक है, ओके ओके, फर्स्ट टाइम, कि कितने एरिया के लिए कितने मेंबर जो कितने हमारे प्रतिनिधि जो होंगे वो रखे जाएंगे। जैसे कि कई बार क्या होता है, जैसे दो तीन डिस्ट्रिक्ट के लिए एक राज्यसभा का मेंबर जो है वो अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, तीन, मतलब अपने अपने एरिया की बात कर लेते हैं, जैसे कि जहां मैं हूँ वहां पर फोर डिस्ट्रिक्ट के लिए हमारे एक राज्यसभा के मेंबर जो है वो अपॉइंट करेंगे, ठीक है। इसी तरह से बोला है कि हम रीएडजस्ट करते हैं जब भी जनगणना होगी, ठीक है, मतलब सेंसिस होगी हमारी, उसके बाद एडजस्ट किया जाता है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच सेंसिस एलोकेट करेंगे सीट्स को, कितनी सीट्स जो है वो हाउस ऑफ पीपल ऑफ द स्टेट, एंड डिवीजन किया जाता है स्टेट का किस बेस पर, टेरिटरी सेंसिस कंस्टिट्यूएंसीज के बेस पर, ठीक है, और रीएडजस्ट करेंगे सच बाय सच अथॉरिटी और सच मैनर एज पार्लियामेंट में बाय द लॉ डिटरमाइन, ठीक है, और प्रोवाइडेड दैट द रीएडजस्टमेंट शैल नॉट इफेक्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। बोला है जो हमारा लोकसभा के प्रतिनिधि तब तक प्रभावित नहीं होगा जब तक तत्कालीन विद्यमान सभा का विघटन ना हो, और फिर बोला है प्रोवाइडेड फर्दर सच अर्ली एडजस्टमेंट शेल टेक इफेक्ट फ्रॉम द सच डेट प्रेसिडेंट में बाय ऑर्डर स्पेसिफाई एंड अंटिल सच री एडजस्टमेंट टेक इफेक्ट एनी इलेक्शन एंड द हाउस मे बी हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। बोला है कि जब तक कि राष्ट्रपति जी जो क्या है ऑर्डर नहीं कर देते, या कोई स्पेसिफाई जो है वो मतलब कोई भी ऑर्डर नहीं कर देते, कोई ऐसा निर्देश नहीं कर देते, जब तक ऐसा पुनः समायोजन जो है वो प्रभावी नहीं हो सकता, मतलब कि कहीं भी ऐसा करना हो कि पहले से कुछ डिसाइड है जी, हम इस स्टेट में, इस पर्टिकुलर स्टेट में इतने फोर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्या बना रहे हैं, मतलब इन फोर डिस्ट्रिक्ट में इतनी इतनी पॉपुलेशन है और हम इनके लिए क्या कर रहे हैं, एक जो है वो राज्यसभा के मेंबर जो है वो यहाँ से चुने जाएंगे, ठीक है, वन मेंबर, ठीक है, और लोकसभा का जो है वो इतने मेंबर चुने जाएंगे। बोला है यदि इनमें हेर फेर करना भी हो, रीएडजस्ट करना भी हो, तो तब तक नहीं होगा जब तक प्रेसिडेंट जो है वो कोई ऑर्डर नहीं देते, ठीक है, और उनको री हम उनको डायरेक्शन नहीं देते, ठीक है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि लोकसभा का क्या होता है कि यदि लोकसभा के किसी मेंबर को अपने मतलब वोटिंग के लिए, इलेक्शन के लिए जो है वो कैंडिडेट के रूप में खड़ना हो, मतलब वोटिंग के लिए, तो लोकसभा के मेंबर उसी एरिया नहीं, हाँ, लोकसभा के मेंबर जो है वो किसी भी एरिया के हों, कहीं भी जाके अपना इलेक्शन जो है वो फाइट कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा का मेंबर बनना हो, मतलब यदि चाहे इनडायरेक्ट ही इलेक्शन होता है ना, बट जो उनका जो है वो मतलब आपको उसका राज्यसभा का इलेक्शन जो है वो उनको फाइट करना हो, ठीक है, चाहे इनडायरेक्ट ही होता है, मैंने आपको बताया ना कि राज्यसभा का हम इनडायरेक्ट इलेक्शन करते हैं, जहां पर इलेक्ट कौन करता है, जो हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो होते हैं वो उनको आगे इलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो राज्यसभा का मेंबर जो है वो बनने के लिए, उनका इलेक्शन फाइट करने के लिए, जिस एरिया के लिए वो जो है वो अपना इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उस एरिया में, मतलब उसका वहां पर क्या होना चाहिए, वोटिंग लिस्ट में नाम होना चाहिए। लेकिन यदि आप लोकसभा के मेंबर, जैसे कि कोई पंजाब, जैसे हम आप जैसे कि कोई भी पर्सन, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिए रश्मि ही जो है लोकसभा की मेंबर है, और फॉर एग्जाम्पल के लिए वो राजस्थान से बिलोंग करती हैं, और वो कहीं जैसे पंजाब में भी जाके अपना इलेक्शन फाइट करना चाहें तो कर सकती हैं, क्योंकि लोकसभा में ऐसा कुछ है नहीं कि किसी भी पर्टिकुलर बस इस एरिया में जिसे वोटिंग लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए तभी वो जो है वो इलेक्शन के लिए
खड़ी हो सकती है, बोले ऐसा नहीं है, लेकिन हमारा जो राज्यसभा में वहां पर ये रूल जो है वो एप्लीकेबल होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। बात करते हैं हमारा आर्टिकल 83, जो कि आप जो फर्स्ट टाइम आए हैं ना, वो भी अपनी जो हमारी जो पूरी प्लेलिस्ट है, पूरी ही ज्यूरिस्प्रूडेंस की नोट्स भी देख लीजिएगा और उसको भी पूरा कवर कर लीजिएगा, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का भी जो पार्ट हो चुका है, क्योंकि अभी तो हम बहुत स्पीड में जाएंगे, क्योंकि इससे ज्यादा जो है वो यहाँ से बहुत ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं इससे पहले, क्योंकि हमने फंडामेंटल राइट और हमारा सिटीजनशिप से कुछ प्रोविजन किए थे, और फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, इन सभी को बहुत डिटेल में कवर किया, एक एक चीज को कवर किया, बीच में थोड़े बहुत केसेस भी देखे हैं, बट बाकी तो मैं थोड़ा और जो है वो एक सेशन पूरा केसेस से ही लेके आऊंगी, लेकिन जो 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 पॉइंट हो जो 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 पार्ट हमारा हो चुका है ना, आप उन सभी को देख लीजिएगा जाके, ठीक है, जब भी आपको टाइम लगे। ओके, और रश्मि वगैरह सभी को मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि जो हमारे मॉक टेस्ट है ना, जैसे कि एमसीक्यूज हैं, हम क्लासेस में तो डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन 15 मई के बाद, जब हमारा पूरा सिलेबस जो है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो हमारे शायद 1-2 दिन से जो है एमसीक्यू भी अपलोडेड होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, तो आप वहां से उन सभी को देख लीजिएगा। ओके, रश्मि गुड़िया सभी को सभी देख लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं आर्टिकल 83, जहां पर बात की है ड्यूरेशन ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, तो काउंसिल ऑफ स्टेट शैल नॉट सब्जेक्ट टू द रेजोल्यूशन। आप सभी जानते हैं कि हमारी राज्यसभा जो है वो कभी भंग नहीं होती है ना, एक स्थायी सदन जो है वो हमारी राज्यसभा को बोला जाता है, और हर साल क्या हो, हर साल ही, एवरी सेकेंड ईयर, जो हमारे हर एक दूसरे वर्ष में क्या होता है, 1/3 मेंबर जो है वो रिटायर हो जाते हैं, है ना, और कितना टाइम पीरियड रहता है एक मेंबर का, वैसे तो कभी भी ये जो है वो भंग नहीं होती, स्थायी सदन है, लेकिन 6 ईयर जो है वो जो राज्यसभा के मेंबर का पूरा टाइम पीरियड जो है वो रहता है। ठीक है, लोकसभा का, हाउस ऑफ पीपल का 5 ईयर जो है पूरा टाइम पीरियड होता है, और उसके बाद जो है वो जिस तरह से पूरे ही, जैसे कि पूरी लोकसभा जो है वो भंग हो जाती है, लेकिन राज्यसभा जो है वो एक स्थायी सदन है, वो कभी भंग नहीं होती, लेकिन जब 5 ईयर कंप्लीट हो जाते हैं, दोबारा से इन सभी का इलेक्शन करवाया जाता है, उसको दोबारा से अपॉइंट किया जाता है, दोबारा से उनका इलेक्शन होता है, तब दोबारा से फिर उनकी पार्टी बनती है कि कौन सी बीजेपी कांग्रेस कौन सी जीत के आई है, और उनकी जो है वो सत्ता में आते हैं। ठीक है, एक बार डिटेल में देख लेते हैं कि हाउस ऑफ पीपल बोला है अनलेस सूनर डिजॉल्व, की जल्द ही डिजॉल्व हो जाती है जब 5 ईयर कंप्लीट हो जाते हैं उनकी। ठीक है, कंटिन्यू फॉर 5 ईयर तक रहती है, और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट जिस दिन से उनकी फर्स्ट मीटिंग होती है। ठीक है, मतलब यदि लोकसभा के मेंबर वो बन गए तो उनकी फर्स्ट जो मीटिंग होगी ना, उस दिन से शुरू हो जाएगा उनका पूरा टाइम पीरियड, मतलब 5 साल जो उनको पूरा करना पड़ेंगे, और उसके बाद जो है वो ये डिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, एंड प्रोवाइडेड दैट द सेड पीरियड वाइल अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, और यदि मतलब ये 5 साल जो है वो बढ़ाए जा सकते हैं, 6 साल भी किए जा सकते हैं, लेकिन किस कंडीशन में, सिर्फ इमरजेंसी, यदि नेशनल इमरजेंसी लगा दी जाए तो जो है वो इनका टाइम पीरियड जो है वो बढ़ सकता है। ठीक है, अदरवाइज ऐसा कभी नहीं होगा, और यदि 1 साल वो बढ़ भी गया, और जब जैसे ही हमारी इमरजेंसी खत्म होगी, उसी के 6 महीने के बाद जो है, 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो इलेक्शन करवाया जाता है, और इसको जो है वो भंग कर दिया, मतलब उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। और राज्यसभा का आप दोबारा से फिर से बता देती हूँ कि राज्यसभा जो है वो, उसका डिसोल्यूशन जो है वो नहीं होता, एक स्थायी सदन है, और नियरली एवरी 1/3 ऑफ द मेंबर जो होते हैं, 1/3 जो मेंबर होते हैं उनको रिटायर कर दिया जाता है एवरी सेकेंड ईयर। ठीक है, और किसी हिसाब से रिटायर किया जाता है, जिनके भी जिनका भी टाइम पीरियड जो है वो 6 ईयर कंप्लीट हो चुका है, 6 सालों के लिए ये चुने जाते हैं, उनका 6 ईयर, जिन जिनका टाइम पीरियड जो है वो खत्म होगा, उनको वो वहां से रिटायर कर देंगे। ठीक है, ये था ड्यूरेशन और क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। क्या कुछ क्वालिफिकेशन है एक संसद के सदस्य के लिए, योग्यता क्या है, तो पहले तो बोला है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, एंड मेक्स अ सब्सक्राइब बिफोर सम पर्सन ऑथराइज ऑन द बिहाफ ऑफ द इलेक्शन, कि वह निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत
किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची, जैसे कि हमारा थर्ड शेड्यूल में जो दिया गया है, ठीक है, मतलब हमारा पहले तो बोला सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, ठीक है, और इन केस ऑफ द सीट ऑन द काउंसिल ऑफ द स्टेट नॉट लेस देन 30 ईयर ऑफ द एज। और एक और बात कि हमारी लोकसभा के मेंबर के लिए एज कितनी होनी चाहिए, मतलब इलेक्शन लड़ने की 25 ईयर, और राज्यसभा की 30 ईयर, ठीक है। बोला इन केस ऑफ द सीट ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट नॉट लेस देन 30 ईयर ऑफ एज एंड इन केस ऑफ द सीट ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, जिसको कि हम बोलते हैं लोकसभा, जिसके लिए होनी चाहिए 25 ईयर ऑफ एज, ठीक है, और पोजेस सच अदर क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रेस्क्राइब ऑन बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब इन सभी एजेस में कुछ भी चेंज करना होगा तो हमारी पार्लियामेंट जो है वो कर सकती है, ठीक है। ये हमारी लोकसभा, ठीक है, और राज्यसभा। पहले तो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 ईयर जो है वो आयु चाहिए, इसके लिए 25 ईयर चाहिए, और 6 ईयर जो है वो इनका टाइम ऑफ ड्यूरेशन होता है, इनका 5 ईयर होता है, और राज्यसभा जो है वो एक स्थायी सदन है, इसको डिसॉल्व नहीं किया जाता। इसके 1/3 जो मेंबर होते हैं वो एवरी 2 ईयर जो है उसमें उनको रिटायर कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर हर एक 5 साल के बाद जो है वो दोबारा से इलेक्शन होते हैं, ठीक है। इतनी चीजें याद रखिएगा, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है कुछ नहीं है, ठीक है। बात करते हैं 85 आर्टिकल में सेशन ऑफ पार्लियामेंट प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन, बोला है प्रेसिडेंट जो है वो टाइम टू टाइम क्या कर सकते हैं, समन कर सकते हैं हाउस ऑफ पार्लियामेंट को, और मीटिंग कर सकते हैं सच ए टाइम एंड प्लेस जिन जैसा भी उनको ठीक लगे, बट 6 months shall not intervene between the its lasting sitting on the first session and the date of appointment of the first sitting। बोला है कि जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, जी रश्मि, की 30 ईयर एज होनी चाहिए, 6 ईयर टाइम पीरियड होगा राज्यसभा के लिए, जी। बोला है जो राष्ट्रपति है, हमारे प्रेसिडेंट है, वो समय समय पर क्या कर सकते हैं जो है सेशन बुला सकते हैं, संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे या किसी और स्थान पर भी बैठक के लिए बुला सकते हैं, मतलब उनका सेशन जो है वो हो सकता है जैसा कि उनको उचित लगे, ठीक है, जिस प्रकार भी उनको ठीक लगे, लेकिन होना क्या चाहिए कि एक सत्र को एक स्थायी बैठक, ठीक है, मतलब उनकी जो हमें जो फर्स्ट लास्टिंग सिटिंग होगी, बोले, और अगले सत्र की इससे पहले वाली बैठक की के लिए नियुक्ति की जो तिथि होगी उसके बीच में 6 महीने का हस्तक्षेप नहीं करेगा, मतलब इनके बीच में जो है वो 6 months से कम पीरियड जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और द प्रेसिडेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो कभी भी जो है वो सेशन बुला सकते हैं, प्रोरोगेट कर सकते हैं हाउस, और आइदर हाउस को डिसॉल्व कर सकते हैं हाउस ऑफ पीपल को। आप जानते हैं कि जो लोकसभा है, ठीक है, और लोकसभा को जो है वो डिसॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, एक तो 5 साल जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ये जो है उनका पूरा एक सेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो इलेक्शन करके आएंगे, और दूसरा कब हो सकता है जब जो राष्ट्रपति है वो डिसॉल्व करना चाहे, भंग करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। फिर है कि राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज और टू द हाउस, की प्रेसिडेंट के पास क्या है, राइट है एड्रेस करने का और कुछ भी संदेश जो है वो भेजने का, मतलब सेंड करने का मैसेज टू द हाउस, किसी भी हाउस में, ठीक है। प्रेसिडेंट में एड्रेस कर सकते हैं आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट को, किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, चाहे आप लोकसभा की बात कर लीजिए चाहे राज्यसभा की बात कर लीजिए, और दोनों ही हाउसेस को असेंबल कर सकते हैं, ठीक है, दोनों ही हाउस को एक साथ भी बुला सकते हैं, एंड फॉर द पर्पज ऑफ रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ मेंबर, ठीक है, किस पर्पज से सदस्यों की उपस्थिति की आवश्यकता होगी, मतलब कि कोई ऐसा उद्देश्य है, मतलब कोई ऐसा उनको मैटर आ गया कि जिस पर पूरी लोगों की जो है वो सहमति की जरूरत है, और ये दोनों सदनों को बुला सकते हैं, ठीक है, दोनों सदनों को एड्रेस कर सकते हैं, लोकसभा को भी और राज्यसभा को। प्रेसिडेंट मे सेंड करेंगे, मे सेंड मैसेज टू द आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट वेदर विद रिस्पेक्ट ऑफ द विल एंड देन पेंडिंग इन अ पार्लियामेंट, ठीक है। बोला है यदि हमारे राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन को संदेश भेज सकते हैं चाहे वह संसद में निलंबित लंबित किसी विधायक के संबंध में हो अन्यथा नहीं हो, ठीक है, चाहे वो जो है वो चाहे वो
इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल हो या अदर देन पेंडिंग इन अ पार्लियामेंट हो और अदरवाइज अ हाउस टू विच एनी मैसेस सो इज सो सेंट शेल विद ऑल कन्वीनियंट डिस्पैच कंसीडर्ड बाय एनी मैटर रिक्वायर्ड बाय द मैसेज टू बी टेकन इन टू कंसिडरेशन. और जिस भी सदन को कोई संदेश जो है वो भेजा जाएगा वो संदेश द्वारा अपेक्षित किसी भी विषय पर विचार करेंगे. और उस जैसे कि कोई भी संदेश भेज दिया, कोई भी ऐसा प्रस्ताव भेज दिया, तो जो मेंबर होंगे हाउस, चाहे वो लोकसभा के मेंबर है चाहे राज्यसभा के मेंबर है, वो क्या करेंगे, उस मैटर पर पूरी चर्चा करेंगे, उस पर विचार करेंगे, कंसिडरेशन करेंगे. ठीक है. और स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट 87 में बोला है कि स्पेशल एड्रेस जो है वो कर सकते हैं जो राष्ट्रपति जी हैं उनको पावर है. हाँ, 87 स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट बोला है एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन. जब भी लोकसभा का हमारा प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात जो है वो एक फर्स्ट हमारा सेशन होता है, उसके बाद इन जनरल इलेक्शन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल एंड एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर द प्रेसिडेंट शेल एड्रेस कर सकते हैं बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट को असेंबल टुगेदर एंड इन्फॉर्म अ पार्लियामेंट टू द कॉज टू इट्स समवन. ठीक है. लास्ट में भी हमने यही जो है वो थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि दोनों ही सदनों को वो जो है तो एक साथ बुला सकते हैं. मतलब जब भी हमारा लोकसभा का प्रत्येक आम चुनाव होते हैं उसके पश्चात जो है वो हमारा फर्स्ट सेशन जो होगा वो स्टार्टिंग हो रहा होगा, वहां पर प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र के प्रारंभ में ही हम क्या राष्ट्रपति सदन जो है संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित कर सकते हैं, एक साथ जो है वो उनको उनका सेशन जो है वो कर सकते एड्रेस कर सकते हैं हाउस ऑफ पार्लियामेंट को, और वो असेंबल होंगी और इन्फॉर्म करेंगे पार्लियामेंट टू दिस कॉजेस ऑफ दिस समन. ठीक है. और उनके समन के कारणों के बारे में सूचित करेंगे कि किस पर्पस के लिए उनको एक साथ जो है वो बुलाया गया है. ठीक है. और प्रोविजन शेल बी मेड बाय द रूल रेगुलेटिंग द प्रोसीजर ऑफ आइदर हाउस फॉर अलॉटमेंट ऑफ टाइम मैटर रेफर टू इट्स सच एड्रेस. बोला है कि इस ऐसे पते में जैसे कि कोई भी उन्होंने क्या किया, कोई ऐसा उनको सेशन मतलब उनको कुछ मैसेज किया जिस दौरान जो है वो उन दोनों सदनों का जैसे लोकसभा राज्यसभा दोनों को एक साथ जो है वो बुला लिया गया. पहले में हमने ये देख लिया. और फिर बोला कि वो क्या करेंगे, एक साथ उनको एड्रेस करेंगे और मतलब कारण बताएंगे कि उनको यहाँ पर क्यों बुलाया गया है. इस तरह से ही ऐसे जो है ऐसे पते में निर्देशित विषय पर चर्चा के लिए समय के आवंटन के लिए किसी भी सदन से प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियमों द्वारा प्रावधान किया जाएगा. ठीक है. समझ में आ रहा है कि सबको? ठीक है. कहीं भी कोई कंफ्यूजन होएगा तो मेरे को बता दीजिएगा. मैं बार बार यही कहती हूँ कि कोई भी पर्सन जो है वो परफेक्ट नहीं होता. हो सकता है कि आपको मेरे से ज्यादा भी आता हो. ठीक है. कहीं भी मेरे से भी कोई गलती हो जाए तब भी मेरे को बोल दीजिएगा. ठीक है. जिब्रान आप न्यू स्टूडेंट हैं क्लास में? गुड़िया रश्मि सभी हैं? जो हमारा आर्टिकल 88 है वो बात करता है राइट टू मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल रिस्पेक्ट हाउस. ठीक है. रश्मि गुड़िया. ठीक है ठीक है. ओके. बोला है राइट ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल एज रिस्पेक्ट ऑफ हाउस. ठीक है. बोला है मंत्रियों और अटॉर्नी जनरल के अधिकार सदनों के का सम्मान करते हैं. ठीक है. बोला एवरी मिनिस्टर हर एक मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिनके बारे में हमने आर्टिकल 76 में भी देखा था. ठीक है. और बोला है एवरी मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शेल हैव द राइट टू स्पीक. ठीक है. कि सदनों की किसी संयुक्त बैठक और संसद की किसी भी समिति जिसका कि उसे सदस्य नामित किया गया है कि कार्यवाही पर बोलने और भाग लेने का अधिकार है. कि जो मिनिस्टर है और अटॉर्नी जनरल है इनको क्या है राइट है कि वो जिनके भी उपलक्ष्य में जैसे कि मिनिस्टर होते हैं ना अलग अलग डिपार्टमेंट के मिनिस्टर होते हैं तो उनको क्या है बोलने का जो है वो अधिकार है. ज्वाइंट सिटिंग में ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द हाउस में भी भाग लेने का अधिकार है और लेकिन इस अनुच्छेद के आधार पर वोट देने का अधिकार जो है वो उनको नहीं होगा.
ठीक है, मतलब जो अटॉर्नी जनरल है राइट, जो मिनिस्टर है वो अपने अपने विषय के बारे में, अपने अपने डिपार्टमेंट के बारे में जो है वो बोल सकते हैं, उनको राइट है बोलने का, और अदरवाइज टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ हाउ आइदर हाउस और एनी ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द हाउस एंड एनी कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, ऑफ विच मे बी नेम्ड एज अ मेंबर बट शेल नॉट बाय वर्च्यू ऑफ दिस आर्टिकल इज एंटाइटल्ड टू वोट, ठीक है, बट उनको क्या है, वोट नहीं है, मतलब आप उनको राइट तो है, राइट टू स्पीक स्पीक है बट राइट टू वोट नहीं है, ठीक है, किसी भी मैटर में यदि उनको वोट करना होएगा कि यदि कोई जैसे कोई मैटर आ गया जिस पर कि वोटिंग चल रही है तो उनको वोट देने का अधिकार जो है वो नहीं है, ठीक है। यहां तक हमारा हो गया है, ठीक है, और कि ऐसा है कि मैं ये सोच रही थी कि जिस दिन उस दिन भी मैंने आप लोगों से बात करी थी, रश्मि गुड़िया दोनों ही थे क्लास में, ठीक है, बाकी तो नहीं थे, बट कोई बात नहीं, कि हमने अभी तक जैसे कि फंडामेंटल राइट को कंप्लीट कर लिया है और उसमें कुछ केसेस हैं, उन सभी को डिटेल में डिस्कस किया, और हमारे जो डीपीएसपी है उसको भी बहुत अच्छे से कवर किया है, ठीक है, इन सभी को यहाँ तक जो है वो कवर कर लिया है, हमने फंडामेंटल ड्यूटी भी देख लिया है और यहाँ तक हमने डिटेल में इसको भी देख लिया है, लेकिन अब मैं सोच रही थी कि यदि हम एक एक आर्टिकल को ऐसे ही देखते रहे, क्योंकि मेन तो हमारा क्या आता है कॉन्स्टिट्यूशन में, हम पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे आते हैं यदि आर्टिकल से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए, डायरेक्ट डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ गए तो हमें आर्टिकल आर्टिकल ही जो है वो याद करने रहेंगे, और साथ ही साथ हमारे केस लॉज, चाहे आप कॉन्स्टिट्यूशन के केस लॉज जैसे कि हम देख लें कि फंडामेंटल राइट से कौन सा केस डील करता है इससे, मतलब इन मैटर से, या तो बाय एयर वाइज, ठीक है, एयर वाइज केस लॉज और हमारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन सभी मतलब इस तरह से केस लॉज आते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आगे जो है वो हम लोग ज्यादा डिटेल में न जाए और इसी तरह से थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हुए पूरा कंप्लीट कर लें, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी हमारी सेकेंड यूनिट ही चल रही है और हमारा टारगेट ये है कि हमने 15 मई तक जो पूरा कम सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। क्या बोलते हैं रश्मि गुड़िया, जो भी कोई न्यू आया है वो भी बता दीजिए, जेवरान बात करते हैं, ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट में कौन कौन से है, बोले चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट, की जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होंगे और काउंसिल ऑफ द स्टेट के, फिर बोला है जिसमें बोला है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आप जानते हैं कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो है, हमने उस दिन भी वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बहुत डिटेल में देखा था एक एक आर्टिकल को, ठीक है, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है उनको हम क्या बोलते हैं, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन, हाँ हाँ रश्मि इम्पोर्टेंट है वही करवाओ, हाँ इम्पोर्टेंट है वही वही करवा, तभी तो मैं सोच रही हूँ क्योंकि इससे मतलब हम तो कॉन्स्टिट्यूशन को जैसे हम लॉ स्कूल में पढ़ते हैं ना एक एक आर्टिकल करके वैसे ही पढ़ रहे हैं, बट ये मैं सोच रही थी कि कंसेप्ट की क्लैरिटी भी हो जाती है अच्छे से पढ़े, बट टाइम हो तो हम उसको भी कर लें, लेकिन अब थोड़ा सा टाइम को भी मैनेज करना पड़ेगा ना, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगा अदरवाइज हम एक एक आर्टिकल को वैसे ही देखते रहे तो, है ना। बाकी हमारा कुछ ज्यादा रहा नहीं है, हम यूनियन जुडिशरी को करेंगे, हम एक मिनट, जैसे कि हमारा जो है इलेक्शन कमीशन हमें देखना है, यूनियन एग्जीक्यूटिव को हमने देख लिया है, स्टेट एग्जीक्यूटिव को थोड़ा बहुत देख लेंगे, ठीक है, और यूनियन जुडिशरी वैसे तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इन सभी के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, बट फिर भी देख लेंगे, एक टेम्परेरी ट्रांजेक्शनल एंड स्पेशल प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन स्टेट भी है, और आर्टिकल 32 ये तो हमने कवर कर लिया है, इमरजेंसी के प्रोविजन देखने हैं और लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट ये भी हमने देख ली है, जब हमने प्रेसिडेंट की पावर देखी थी तो हमने बहुत डिटेल में इन सभी को कवर कर लिया, ठीक है, एक मैं चाहती हूँ कि हम 2-3 क्लासेस में इन सभी को कवर कर लें, क्योंकि फिर हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ रहेगा एक ही जो है एक क्लास में, 2 आर की एक क्लास रहेगी, वहां पर हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को कवर कर लेंगे, ठीक है।
और थर्ड यूनिट स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। बात करते हैं जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनको क्या बोला जाता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा के वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो है वो जाने जाते हैं, ठीक है। यहां लिख देती हूँ, वाइस प्रेसिडेंट ठीक है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो है वो बोले जाने जाते हैं। और फिर बोला है कि काउंसिल ऑफ द स्टेट, काउंसिल ऑफ द स्टेट शेल सून एज मे बी चूजन बाय द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ द टू द डिप्टी चेयरमैन, ठीक है। और उसके बाद क्या होते हैं, हमारे डिप्टी चेयरमैन भी होंगे, और ऑफर एज द ऑफिस इज द डिप्टी चेयरमैन बिकम अ वेकेंट ऑन द काउंसिल शेल चूज अनदर मेंबर एज अ डिप्टी चेयरमैन देयरऑफ, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट है वोकेशन एंड रेजिग्नेशन और रिमूवल फ्रॉम ऑफिस ऑफ द डिप्टी चेयरमैन, कि यदि कहीं अ मेंबर होल्डिंग एन ऑफिस, यदि अ मेंबर जो होल्ड करता है ऑफिस डिप्टी चेयरमैन और द काउंसिल ऑफ द स्टेट, ठीक है, यदि किसी पर्सन ने कि डिप्टी चेयरमैन का ऑफिस जो है वो होल्ड करके रखा है, ठीक है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो किसे बोला गया, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बोला गया है। और जो डिप्टी चेयरमैन होंगे वो यदि होल्ड करके रख रहे हैं ऑफिस, ठीक है, होल्ड द ऑफिस ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट, ठीक है, अशल वेकेंट हिज ऑफिस देन ही सीज टू बी द मेंबर ऑफ द काउंसिल, ठीक है। और फिर बोला है मे एनी टाइम और बाय राइटिंग, जो बोला है कभी भी वो अपने राइटिंग, जब भी उनको यदि अपना ऑफिस छोड़ना भी हो अपना जो है, हाँ जी रश्मि डिप्टी चेयरमैन, और कि उनको चाहे उनकी सीट जो है वो खाली हो जाती है या तो उनको रेजिग्नेशन लेटर देना हो, तो वो क्या करते हैं अपनी हैंड राइटिंग, हैंड रिटन में जैसे कि राइट राइट बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस करेंगे चेयरमैन को और रिजाइन कर देंगे अपनी ऑफिस को, मतलब अपना रेजिग्नेशन लेटर किसे देंगे, चेयरमैन को देंगे, ठीक है, जिनको कि हम क्या बोलते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ठीक है। और मे रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय रेजोल्यूशन, ठीक है, और अदरवाइज कि यदि उनको रेजोल्यूशन से यदि उनको रिमूव करना होगा तो हम कहाँ कैसे रिमूव करेंगे, जैसे कि हम वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करते हैं, जैसे मैंने उस दिन भी बताया था कि 14 डेज जो है नोटिस दिया जाएगा वाइस प्रेसिडेंट को कि आपके खिलाफ जैसे कि आपने कोई किसी भी रूल की वायलेशन, हाँ जी रश्मि बाय राइटिंग, और जैसे कि यदि उनको रिमूव भी करना होगा बाय रेजोल्यूशन से, तो किस तरह से रेजोल्यूशन पास होगा, तो हमारा 14 डेज जो है वो नोटिस देंगे वाइस प्रेसिडेंट को, और उसके बाद ये दोनों सदन में यदि पास हो गया तो उनको वहां से हटा दिया जाएगा, ठीक है। और हमारा जो 92 है, सॉरी 91 जो है वो बात करता है पावर ऑफ डिप्टी चेयरमैन एंड अदर पर्सन परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ ऑफिस, ठीक है, क्या कुछ पावर दी गई है इनमें, ठीक है, बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, आप इसको पढ़ लीजिएगा, बेयर एक्ट से ही ये चीजें उठाई गई है, और जो इससे पहले मैं करवा रही थी ये भी बेयर एक्ट से ही उठाया गया है, ठीक है, तो बेयर एक्ट से देख लीजिएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं कि हमारा 92 में दिया गया है द चेयरमैन, एक बार देख ही लेते हैं वैसे भी थोड़ा थोड़ा अदरवाइज, फिर ठीक है। फिर बोला है कि पावर क्या है, डिप्टी चेयरमैन और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ द हिज ऑफिस एज एक्ट सॉरी एज एक्ट एज अ चेयरमैन, बोला है जब भी वेल ऑफिस ऑफ चेयरमैन इज वेकेंट, जो हमारा चेयरमैन का ऑफिस जो है वो वेकेंट हो जाता है, खाली हो जाएगा ड्यूरिंग एनी पीरियड में, तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे, जो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्ट करेंगे एज एक्टिंग एज और डिस्चार्ज करेंगे फंक्शन को एज अ प्रेसिडेंट। आप जानते हैं कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट, उस दिन भी हमने देखा था कि जो प्रेसिडेंट की सीट जब भी खाली होगी, चाहे आप डेथ के रिलेटेड ले लीजिए कि यदि प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, यदि वो रिजाइन कर देते हैं, तो 6 महीने के अंदर, एक तो कि 6 मंथ के अंदर जो है वो इलेक्शन करवाया जाता है, और तब तक नया इलेक्शन नहीं होता और नए जो प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट नहीं होते, तब तक कौन परफॉर्म करेगा उनकी ड्यूटी और कौन उनके ऑफिस को संभालेंगे, तो वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट उनके ऑफिस को होल्ड करके रखेंगे और उनको वही सब फैसिलिटी दी जाएंगी जो कि एक प्रेसिडेंट को दी जाती है, ठीक है। फिर बोला है ड्यूरिंग हिज अब्सेंट द चेयरमैन
फ्रॉम एनी सिटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट और द एनी डिप्टी चेयरमैन ही इज ऑल्सो अब्सेंट सच पर्सन एज डिटरमाइंड द रूल एज अ प्रोसीजर और द काउंसिल ऑफ द स्टेट. नो सच पर्सन इज प्रेजेंट और सच अदर पर्सन मे बी डिटरमाइंड विद द काउंसिल ऑफ द स्टेट. ठीक है. फिर बोला है कि हमारी नेक्स्ट है मतलब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन नॉट प्रिजाइडेड बाय द रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफिस ऑफिस फ्रॉम अंडर द कंसिडरेशन. कि जो हमारा अध्यक्ष है और उपसभापति जिसको कि हम वाइस प्रेसिडेंट जो है वो बोलते हैं वो ना करे अध्यक्षता ना करे तो जबकि उसे पद से हटने का संकल्प और विचाराधीन में है. बोले हैं कि यदि उनका उसके खिलाफ जो है वो रेजोल्यूशन पास हो रहा है किसके लिए रिमूव करने के लिए और उस उनका जो रिमूविंग प्रोसेस है वो भी चल रहा है मतलब रेजोल्यूशन जो है वो पास हो रहा है. तो ठीक है इसको आप बेयर एक्ट से पढ़ लीजिएगा. ठीक है. और 93 में क्या बोला है कि स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल कि हमारा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बोला गया है कि जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो होंगे ऑफ द हाउस ऑफ पीपल द हाउस ऑफ द पीपल शेल. रश्मि गुड़िया कोई भी कंफ्यूजन होगी तो मेरे को बता दीजिएगा. अब मेरे को एक बात बता दो कि आप लोग डायरेक्ट से देख लोगे क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि हम 2-3 दिन में इसको कवर कर लें. ठीक है क्योंकि हमें नेक्स्ट यूनिट भी करनी है ना. और क्योंकि ज्यादा ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है हमारा जो पार्ट फर्स्ट में जो आता है ना हमने सारा ही कवर कर ही लिया है बहुत डिटेल में कवर किया. ठीक है मेरे को बता दीजिए एक बार फिर हम नेक्स्ट चलते हैं. बोला स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल जो हमारे हाउस ऑफ पीपल शेल एज सून एज मे बी चूजन फ्रॉम टू मेंबर ऑफ द हाउस टू बी रिस्पेक्टिवली स्पीकर और डिप्टी स्पीकर उन दोनों को ही चुना जाता है. एक तो स्पीकर होते हैं और दूसरे डिप्टी स्पीकर होते हैं. ठीक है आप जानते हैं यहाँ बात हो रही है लोकसभा की वहां पर चुने जाते हैं कौन से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर. आप जानते हैं कि हमारे जो स्पीकर होते हैं वो उन्हीं लोगों के बीच में से बनते हैं जो कि हमारे चुने हुए और वो जो हमारी जो पार्टी जीत के आई होती है ना वही बना जाता है स्पीकर. ठीक है और मतलब उन्हीं में से बीच में होता है कि 5 ईयर तक ही उनका टाइम पीरियड होता है उसके बाद नहीं होता. बट वो अपने ऑफिस में तब तक रहते हैं जब तक कि नया कोई स्पीकर जो है वो अपॉइंट नहीं हो जाता. ठीक है और वेकेशन और रेजिग्नेशन और रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर. जी जी रश्मि लोकसभा का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की यहाँ बात हो रही है. ठीक है और जब स्पीकर जो है वो अपने जो है ऑफिस में नहीं होंगे या प्रेजेंट नहीं होंगे तो डिप्टी स्पीकर जो है एयर टाइम पीरियड. हाँ तो जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो होते हैं ये भी जैसे कि हमारी लोकसभा जो है जब जो है वो डिसॉल्व हो जाती है 5 ईयर के बाद इलेक्शन जो है वो करके आते हैं. और हाँ फाइव यहाँ जी रश्मि 5 के बाद मतलब जब और जो पार्टी जीती होती है ना उन्हीं में से स्पीकर को बनाया जाता है और डिप्टी स्पीकर को बनाया जाता है. ठीक है ये ऐसा नहीं है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर एक जो है वो उनकी कुर्सी जो है वो सेट नहीं. जिस तरह से जब 5 ईयर के बाद पूरी जो है वो सरकार बदलती है उसी तरीके से वो भी बदल जाता है. ठीक है वेकेशन और रेजिग्नेशन और रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द स्पीकर और डिप्टी स्पीकर. ठीक है बोला है वेकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ एनी रिमूवल. ठीक है और ये बात नहीं बताई रश्मि जी आपने और गुड़िया और कोई भी है क्लास में. वैसे तो मेरे को लग रहा है कि हम दो ही हैं. ठीक है 3 स्टूडेंट जो है वो अवेलेबल हैं. ठीक है कि आप लोग अवेयर एक्ट से कर लोगे ना मतलब फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी. मेंबर होते हैं इसमें से ही. हाँ हाँ जी उसी में से बनाए जाते हैं. ठीक है फिर बात करते हैं कि जो वेकेशन रेजिग्नेशन बोला है कि अ मेंबर जो होल्ड करता है ऑफिस एज अ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है वो बनाए होते हैं और हाउस ऑफ पीपल. ठीक है मे एनी टाइम बोले जब भी उनको अपना रेजिग्नेशन लेटर देना होएगा
वो राइटिंग में देंगे अंडर हिज हैंड एड्रेस एंड सच मेंबर ऑफ द स्पीकर, ठीक है, टू द डिप्टी स्पीकर एंड सच मेंबर एज अ डिप्टी स्पीकर टू द स्पीकर, कि यदि स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन लेटर देना, हाँ रश्मि उस बुक में, वैसे कि मेरे पास भी थी वो बुक, बट ये है कि जैसे कि हमने अरिहंत की बुक में ना बहुत ज्यादा चीजें जो है वो कवर नहीं करी गई है, जो अरिहंत का कंपेंडियम है, आप कोई कोई भी टॉपिक देख लीजिएगा, जिस आप देखेंगे कि हमने जिस तरह से ज्यूरिसप्रूडेंस को कवर किया, क्या उस बुक में ऐसा है, बट है कि ऐसा है कि हम थोड़ा बहुत एक कि हमारे पास मटेरियल है, मतलब उस बुक में इतना डिटेल में नहीं है, बट थोड़ा बहुत मतलब ठीक है, ये है कि एक गाइडेंस है कि आपको ये पर्टिकुलर चीजें पढ़नी है, वहां तो हमें इतना ज्यादा फंडामेंटल राइट और वो भी नहीं दिया गया है ना जितना हमने पढ़ा है, ठीक है, बट कोई नहीं है, ये आप बेयर एक्ट से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। हाँ बोला है कि इन दिन दोनों को जब जो हमारा रेजिग्नेशन जो है वो देना होएगा तो स्पीकर देंगे गुड़िया, नहीं अच्छा हाँ मैं बोल रही रश्मि ये बोल रहे हैं कि नहीं, हाँ हाँ नोट्स तो दे देते हैं, यदि आप इंग्लिश में पढ़ मतलब यदि आप इंग्लिश भी थोड़ा मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों को कंबाइन लेके चलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप नोट्स दे देंगे उसमें, हाँ नोट्स दे देंगे दो दे दूंगी मैं, ठीक है। नोट्स दे दूंगी, ठीक है ठीक है ठीक है। फिर बोला है पावर ऑफ द डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की क्या पावर है, और अदर पर्सन की परफॉर्म करेंगे विद ड्यूटीज एज अ स्पीकर, ठीक है, ये दिया है मैं आर्टिकल 95 में, जहां पर बात की है कि वाइल द ऑफिसर और द प्रेसिडेंट, सॉरी वाइल द ऑफिस ऑफ द स्पीकर इज वेकेंट, यदि जो है वो स्पीकर की सीट जो है वो वेकेंट हो जाती है तो ड्यूटी ऑफ ऑफिशियल परफॉर्म करनी पड़ेगी एज अ डिप्टी स्पीकर, ठीक है, तो यदि स्पीकर की जो स्पीकर जो है वो अपनी जो कुर्सी पर नहीं है, मतलब सीट जो है वो उनकी वेकेंट है, तो उनका काम कौन करेंगे, डिप्टी स्पीकर करेंगे, और डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो और डिप्टी स्पीकर इज ऑल्सो वेकेंट देन सच मेंबर, कोई भी मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा इस पर्पज के लिए, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि पावर क्या है डिप्टी स्पीकर और द स्पीकर की, ठीक है, तो बोला है कि यदि डिप्टी स्पीकर जो है वो नहीं होएगा, मतलब यदि स्पीकर चले गए मतलब उनका ऑफिस जो वो तो, मतलब वेकेंट हो गया तो कौन काम करेंगे, डिप्टी स्पीकर, और डिप्टी स्पीकर भी चले गए तो कौन अपॉइंट करेंगे, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर देंगे डिप्टी स्पीकर इस काम के लिए, डिप्टी स्पीकर नहीं किसी भी मेंबर को अपॉइंट कर देंगे। फिर बोला है 96 में बोला है स्पीकर और द डिप्टी स्पीकर आर नॉट रिजाइड प्रिजाइड वेल अ रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस अंडर द कंसिडरेशन, ठीक है, और फिर बोला है सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के बारे में, इनकी क्या कुछ सैलरीज है इनके बारे में दिया गया हमारा आर्टिकल 97 में, ठीक है, एज ए स्पीकर और अ डिप्टी स्पीकर और सेक्रेटरी ऑफ पार्लियामेंट की बात करी गई है आर्टिकल 98 में, ठीक है। सैलरीज के बारे में देख लेते हैं, तो बोला है देयर शेल बी पेड टू द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट टू द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल सच सैलरीज और अलाउंस मे बी रिस्पेक्टिवली पार्लियामेंट बाय द लॉ, ठीक है, अंटिल द प्रोविजन ऑफ द बिहाफ सेट मेड, एंड बोला है कि उनको सैलरी जो है वो किस तरीके से दी जाती है, तो अब जानते हैं कि हमारी जो भी बोला है जो सैलरी है वो दी जाएंगी काउंसिल ऑफ, चाहे आप डिप्टी चेयरमैन की बात कर लीजिए कि राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन की बात कर लीजिए या तो आप स्पीकर ऑफ द लोकसभा की बात कर लीजिए, ये फिक्स की जाती है उनकी जो सैलरी है वो और अलाउंस है वो रिस्पेक्टिवली फिक्स किए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है, और अंटिल द प्रोविजन जो है वो बना सकती है पार्लियामेंट जो है वो टाइम टू टाइम इनकी सैलरी से रिलेटेड प्रोविजन जो है वो बना सकती है, ठीक है, और 98 में दिया है सेक्रेटरी ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, जहां पर बात की है ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट शेल हैव द सेपरेट सेक्रेटरी, जैसे कि हर एक हाउस ऑफ पार्लियामेंट, चाहे आप लोकसभा की बात कर लीजिए या राज्यसभा की बात कर लीजिए, वहां पर सेपरेट सेक्रेटरी है अपना स्टाफ का, और प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शेल बी कंस्ट्रूड और प्रिवेंट
हमारा प्रिवेंटिंग द क्रिएशन ऑफ द पोस्ट और कॉमन टू बोथ ऑफ द हाउसेस, ठीक है। और पार्लियामेंट जो है मे बाय लॉ रेगुलेट करेगी कि रिक्रूटमेंट और द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ अ पर्सन और अपॉइंट किस तरह से करे जाएंगे, जो भी उनका सेक्रेटरीट का स्टाफ जो होएगा, ठीक है, उसको किस तरह से जो है वो अपॉइंट करना है, किस तरह से रिमूव करना है, उन सभी का प्रोविजन जो है वो कौन बनाती है, हमारे पार्लियामेंट ही बनाती है। अब बात करते हैं कंडक्ट ऑफ ऑफिस की, जहां पर बात की है ओथ और अफर्मेशन बाय पार्लियामेंट, ठीक है, कि ओथ और अफर्मेशन जो है वो किस तरीके से होगी, और शब्द और जो हमारी सदस्य की शब्द और प्रतिज्ञान, आप जानते हैं कि हमारी ओथ जो कि हमने प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इन सभी की भी देखी थी, तो हमारे प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाते हैं, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट को कौन दिलाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट दिलाएंगे, ठीक है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ टू सीनियर मोस्ट जज भी होते हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। एवरी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट शेल बिफोर टेकिंग द सीट, पुलह जब भी वो अपनी इलेक्शन जो है वो उसके बाद जो है वो अपनी सीट को होल्ड करते हैं, उससे पहले क्या करते हैं, वो ओथ लेते हैं प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंट इन द बिहाफ बाय, किसके सामने, प्रेसिडेंट के सामने, और कुछ ऐसे पर्सन हैं जिनको भी अपॉइंट किया जाता है, मतलब बिहाफ ऑफ फेम और अफर्मेशन अकॉर्डिंग टू द फॉर्म सेट आउट द पर्पस ऑफ द थर्ड शेड्यूल, जो भी हमारे थर्ड शेड्यूल में दिए गए हैं प्रोविजन उसके अकॉर्डिंग जो है वो ऑथ एंड अफर्मेशन जो है होगी, ठीक है। कौन दिलाएंगे, बिफोर द प्रेसिडेंट जो है वो उनको ऑथ दी जाएगी, ठीक है। वैसे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है, बहुत डिटेल में तो नहीं जा रही हूँ, लेकिन कुछ एक चीजें हैं जो जो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है वो बता रही हूँ, ठीक है। वोटिंग इन हाउस पार्लियामेंट सॉरी वोटिंग इन हाउस हाँ यहाँ पे लिखे वोटिंग इन हाउस पावर ऑफ हाउस एक्ट टू एक्ट नॉट विद स्टैंडिंग वैकेंसीज एंड कोरम, ठीक है। और यहाँ पर वैकेंसीज और कोरम की बात की गई है कि उनका सेशन जो है वो कब तक होगा कब तक नहीं होगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा। फिर बोला है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर का क्या मतलब है कि एक पर्सन को कब जो है वो मतलब डिस्क्वालिफाई किया जाएगा मेंबर बनने के लिए, ठीक है। तो वह है वेकेशन ऑफ द सीट, ठीक है, यदि जो है वो सीट जो है उनकी खाली हो गई, ठीक है। नो पर्सन शैल द मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, कोई भी पर्सन जो है वो यदि मेंबर नो पर्सन शैल बी मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, द प्रोविजन शैल बी मेड पार्लियामेंट बाय द लॉ, ठीक है। कोई भी पर्सन बोले किसी भी यदि कोई प्रोविजन बनाया जा रहा है पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, ओके। और वेकेशन बाय द पर्सन हु इज चूजन एज अ मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ हिज सीट और हाउस ऑफ अदर, ठीक है। कोई भी बोला मेंबर होगा बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट का, वो प्रोविजन जो भी बनाए जाएंगे हमारे पार्लियामेंट बाय द लॉ के द्वारा, ठीक है, फॉर द वेकेशन की जो भी सीट जो है वो खाली रह गई है, ठीक है, उनके लिए जो भी प्रोविजन बनाएंगे कौन बनाएगी, हमारे पार्लियामेंट बनाएगी, ठीक है। और फिर बोला है इसके बाद भी बहुत सारी चीजें, इसको जो है वो आप खुद पढ़ लीजिएगा। बेयर एक्ट से वैसे मैं यदि नोट्स भी दूंगी तो मैं कहाँ से दूंगी, हमारे वेयर एक्ट से ही दूंगी, ठीक है। यदि आपके पास वेयर एक्ट होंगे तो आप खुद देख लीजिएगा, अदरवाइज मैं नोट्स जो है वो दे दूंगी, क्या करेंगे आप। रश्मि गुड़िया बता दीजिए मेरे को, बेयर एक्ट से पढ़ लेंगे या हम जो है वो नोट्स देने हैं, जैसे नोट्स भी दूंगी तो बस यही होगा और ज्यादा नहीं है कुछ भी। फिर बोला है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर की बात करी गई है, एक पर्सन कब डिस्क्वालिफाई होगा फॉर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। एक तो बोला है कि उसने कि कब जैसे वो डिस्क्वालिफाई होएगा, ठीक है, यदि वो उन्होंने होल्ड करके रखा है ऑफिस। तो मैं पूछ रही हूँ कि नोट्स चाहिए या बेयर एक्ट से पढ़ लेंगे, मतलब नोट्स तो मैं एक मिनट
वैसे तो मैं डेली की डेली जो क्लासेस होंगी उनके नोट्स तो मैं दूंगी ही, लेकिन अभी मैं बात कर रही हूँ यदि हमारा यूनियन भी हो जाता है, सॉरी यूनियन जुडिशरी भी हो जाता है, तो वो नोट्स चाहिए या नहीं चाहिए, ये पूछ रही हूँ मैं। ठीक है, फिर बोला है कि कौन पर्सन जो है वो कब डिस्क्वालिफाई किया जाएगा एज ए मेंबरशिप से, तो उसको यदि वो होल्ड कर रहा है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यदि कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो उसने होल्ड करके रखा हुआ है, तब उसको डिस्क्वालिफाई जो है वो किया जा सकता है, मतलब कहीं कहीं भी वो अदर किसी डिपार्टमेंट से, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो या किसी भी डिपार्टमेंट में हो, उसने कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो उसने होल्ड करके रखा है, तब उसको डिस्क्वालिफाई किया जा सकता है। और यदि वो अनसाउंड माइंड हो जाता है, नोट्स में पूरा ही पूरे हैं डिटेल। नोट्स जैसे कि मैं डेली की क्लास के ना, रश्मि डेली के नोट्स बनाती हूँ, ठीक है, और जो मैंने पहले ये वाले नोट्स जो है वो बनाए ना से एक एक एक्ट के, वो मैंने सिर्फ पूरा का पूरा जो बेयर एक्ट है उसी को उठा के बनाए, मतलब उस वहीं से उठाया ये सब। तो बोल रही थी मैं कि आपको यही सेम चाहिए या जो है वो मैं अलग से, जैसे कि अलग से पूरा पीडीएफ बना के आपको सेंड कर दूं, बस ये बोल रही हूँ कि आपके पास बेयर एक्ट है या नहीं। ठीक है, बाकी मैं दे दूंगी, रहने दूं रहने दूं। ठीक है, यहाँ देख लीजिए कि बोला है कि एक पर्सन को कब डिस्क्वालिफाई किया जा सकता है, यदि वो होल्ड करके रखा हुआ है उसने कोई ऑफिस, ठीक है, तो उसको जो है प्रॉफिट ऑफ ऑफिस जो यदि होल्ड करके रखा है तो उसको डिस्क्वालिफाई जो है वो किया जा सकता है, यदि कोई पर्सन क्या हो गया अनसाउंड माइंड हो गया तब भी। ओके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। हाँ जी रश्मि, मैं दे दूंगी नोट, मत लो अभी टेंशन। ठीक है, हाँ ठीक है, यदि कोई अनसाउंड माइंड हो गया, ठीक है, और एक अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट हो जाता है, ठीक है, तब भी वो बोला है कि वो डिस्क्वालिफाई हो जाएगा उसके मतलब मेंबरशिप से, ठीक है, उसको हटाया जा सकता है। और यदि वो नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया है, यदि वो सिटीजन ही नहीं है हमारे इंडिया का, उसको भी जो है वो डिस्क्वालिफाई किया जा सकता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गए, तो नेक्स्ट चलते हैं। बोला है एक 103 में, डिसीजन ऑन द क्वेश्चन ऑफ एज अ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, ठीक है, डिसीजन किसका होएगा डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर का, बोला इफ एनी क्वेश्चन अराइज होता है वेदर अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और बिकम अ सब्जेक्ट और एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन इन क्लॉज 1 और क्लॉज 102 आर्टिकल एंड द क्वेश्चन मे बी रेफर टू द डिसीजन ऑफ प्रेसिडेंट, तो किसका डिसीजन होएगा, हमारे प्रेसिडेंट साहब का डिसीजन होएगा। ठीक है, जो हमारा 104 है वो बात करता है पेनल्टी फॉर सिटिंग एंड वोटिंग बिफोर ऑथ एंड अफर्मेशन, ठीक है, कि जो हमारा अनुच्छेद हमारा हाँ ऑथ एंड अफर्मेशन अंडर आर्टिकल 99 एंड वन नॉट क्वालिफाई वेन डिस्क्वालिफाई, बोला है कि यदि कोई पर्सन जो है वो यदि क्वालिफाई नहीं होगा तो आप मानेंगे कि वो डिस्क्वालिफाई हो गया, मतलब या तो उसने वो मेंबर नहीं है, मतलब इंडिया का सिटीजन नहीं है, ठीक है, और यदि उसकी एज जो है वो कंप्लीट नहीं है, ठीक है, और या तो वो इलेक्शन जैसे कि लोकसभा में अपॉइंट किया गया है और वो इलेक्शन जो है वो फाइट करके नहीं आया और 6 महीने के अंदर जो है यदि इलेक्शन करवाया भी जा रहा है तब तो भी वो इलेक्ट नहीं होता है, चुना नहीं जाता है, तो भी वो डिस्क्वालिफाई हो सकता है। ठीक है, और पेनल्टी क्या है, पेनल्टी फॉर सिटिंग बोला है इफ अ पर्सन सिट और वोट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बिफोर ही कंप्लाइज विद द रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 99 व्हेन ही नोज ही इज नॉट क्वालिफाइड, यदि वो जानता है कि वो क्वालिफाई नहीं है और वो डिसक्वालीफाई है, ठीक है, मतलब वो मेंबर जो है वो जान रहा है, जानता है, मतलब उसको पता है कि मैं क्वालिफाई नहीं हूँ, मैं डिसक्वालीफाई ऑफ हूँ फॉर द मेंबर ऑफ मेंबरशिप, ठीक है, देयरफॉर ही इज प्रोहिबिटेड सो डूइंग बाय द प्रोविजन ऑफ मे बी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एंड शेल बी लाइबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द ईच डे ऑन ही इज सो सिट एंड वोट ऑन द पेनल्टी ऑफ द 500 रुपीज,
तो उसको कितनी पेनल्टी मिलेगी? बोला है 5, सॉरी, कि यदि वो जानता है कि मैं क्वालिफाई नहीं हूं, मैं डिस्क्वालिफाई हूं, फिर भी वो क्या कर रहा है, वॉलेंट्रली वहां पर रह रहा है, और वॉलेंट्री क्या कर रहा है कि वो उस पार्लियामेंट में वोट और वोटिंग कर रहा है, वोट्स एंड सिटिंग जो है वो यूज कर रहा है, वहां पर रह रहा है, तो वो लाइबल होगा किस लिए? 500 रुपीज पर डे जो है वो उसको देना पड़ेगा, रिकवरी ऑफ डेट, ठीक है, 500 रुपीज जितने भी टाइम तक वो रहा है वहां पर, ठीक है, मतलब उसको 500 रुपीज कवर किए जाएंगे एज अ डेप्ट ड्यू टू द यूनियन, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है। और उसकी कुछ पावर है, प्रिविलेजेस हैं, और इम्यूनिटी ऑफ अ पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर, मतलब एक हमारी पार्लियामेंट को क्या पावर दी गई है, क्या प्रिविलेजेस दी गई है, क्या इम्यूनिटी दी गई है पार्लियामेंट को, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं करवा ही दूंगी, सारा ही रहने दो आप, पता क्या है ऐसे फिर पूरा झमेला हो जाएगा, फिर मैं नोट्स भी दे दूंगी, फिर उसमें भी कुछ, ठीक है, एक बार रिवाइज ही तो करवाना है, बाकी करवा दूंगी मैं, रहने दो। एक जो न्यू स्टूडेंट आए थे वो शायद चले गए ना। फिर बोला है पावर क्या है, प्रिविलेजेस और ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ कमेटी, मेंबर एंड कमेटी देयर ऑफ, ठीक है, बोला क्या कुछ पावर है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक मिनट, बोला है कि क्या कुछ पावर है, क्या प्रिविलेजेस है हाउस ऑफ द पार्लियामेंट की, तो पहला तो बोला कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल एंड स्टैंडिंग द ऑर्डर रेगुलेटिंग एंड प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट, एंड उनको फ्रीडम है स्पीच इन पार्लियामेंट, ठीक है, सबसे पहली पावर क्या है, वो अपना कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब उनको क्या है, डिसीजन लेने की पावर है और राइट है उनको, फ्रीडम है उनको स्पीच की, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और दूसरा बोला कि नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शेल बी लाइबल एनी प्रोसीडिंग एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी, और किसी भी मेंबर को क्या है, किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को के खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग जो है वो कोर्ट में नहीं चलाई जाएगी, ये उसकी पावर है, ठीक है, और वो वोट कर सकता है गिवन बाय द पार्लियामेंट और एनी कमेटी, नो पर्सन शैल बी लाइबल ऑन द इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिकेशन, और किसी भी पर्सन को पब्लिकेशन के लिए जो है वो लाइबल जो है वो ठहराया नहीं जाएगा अंडर द अथॉरिटी ऑफ ईच आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, चाहे आप रिपोर्ट की बात कर लीजिए, चाहे पेपर की, या वोट और प्रोसीडिंग की, ठीक है। और जो थर्ड क्या प्रिविलेजेस दिए, रश्मि गुड़िया, समझ में आ रहा है, ठीक है, ठीक है, और थर्ड में क्या दिया है, बोले इन अदर रिस्पेक्ट पावर एंड प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटी ऑफ ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड मेंबर एंड कमेटी ईच, ठीक है, ठीक है, ठीक है गुड़िया, ठीक है, तो आप देख लेते हैं कि क्या कुछ पावर है, तो पहले तो बोला कि उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो आप देखते होंगे कभी भी अपने टीवी वगैरह में भी या खुद भी कभी गए हो तो पार्लियामेंट में वो हर कुछ बोलते रहते हैं, और एक जैसे कि कभी कुर्सियां किसी दूसरे के सर पर फोड़ते हैं, मतलब ऐसे बुरी हालत हो रही होती है, सर पर नहीं तो नहीं फोड़ते, लेकिन वो बड़े गुस्से में जब कोई भी मैटर चलता है ना तो उनको बहुत गुस्सा, तो पहले तो बोल दिया कि फ्रीडम है किसकी, स्पीच की, ठीक है वो, और दूसरा क्या बोल दिया कि क्या है, उनके खिलाफ किसी भी तरह की कोर्ट में कार्यवाही जो वो नहीं चलाई जाएगी, ठीक है, उनको प्रिविलेजेस दी गए जब तक वो कोई ऑफिस को होल्ड करके बैठे हैं तब तक जो है वो उनको उनके खिलाफ कोई जो है वो प्रोसीडिंग जो है नहीं चलाई जाएगी, ठीक है, इन अदर रिस्पेक्ट द पावर एंड प्रिविलेजेस इम्यूनिटी इन सच पार्लियामेंट एंड अदर मेंबर कमेटी इन सच शेल बी सच एज अ मेंबर
मे फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफाइन द पार्लियामेंट बाय द लॉ, ठीक है। वो बोला है कोई भी कमेटी जो है इमिडिएटली बना सकते हैं किसी भी लॉ को क्या करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, और कुछ भी ऐसे प्रोविजन जो कि क्लॉज 1, क्लॉज 2 और क्लॉज 3 में दिए गए हैं, और अप्लाई इन द रिलेशन विद द पर्सन एंड हु बाय द वर्च्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और राइट टू स्पीक है उन्हें, और अदरवाइज उनके खिलाफ जो है वो कोई भी प्रोसीडिंग नहीं चलती, ऑल्सो पार्लियामेंट के मेंबर के खिलाफ, ठीक है। और कमेटी बना सकते हैं वो किसी भी रीजन, कोई भी अप्लाई इन द रिलेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। ये था हमारे यहाँ पर, हमारे 105 आर्टिकल में पावर एंड प्रिविलेजेस के बारे में ये दिया गया है। रश्मि नाराज तो नहीं हो गए आप? हाँ और क्या बोल रहे हैं गुड़िया मैम, सॉरी बेयर एक्ट से रीड करना है। अच्छा, बेयर एक्ट से रीड करना, कोई बात नहीं, कहना तो एक बार कनेक्ट। हाँ एक बार, एक मिनट बात कर लेती हूँ। रश्मि आप नाराज तो नहीं हो गए? पता क्या हुआ कि शायद रश्मि कंफ्यूज हो गई थी कि मैं क्या बोल रही हूँ। मैं सिर्फ ये बोल रही थी कि वेयर एक्ट यदि आपके पास है तो मतलब तो आप वहीं से देख लीजिए, क्योंकि मैं भी वेयर एक्ट से ही थोड़ा बहुत करवा रही हूँ, अदरवाइज तो भी शायद। ओके 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 गुड़िया, एक मिनट वेट करी, वेट करी, मैं बोलती हूँ, ठीक है। तो शायद रश्मि जो है, जी बोलिए मैम क्या हुआ है। हाँ, तो तभी तो मैं बोल रही हूँ कि शायद आप उस टाइम समझ नहीं पा रहे थे ना कि, लेकिन अब जो है मैं कल से जो है पूरे नोट्स जो है बना के आऊंगी, ठीक है, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी ना, क्योंकि ये भी मैं जो है लेके आई हूँ, शायद आपके पास पेयर एक्ट नहीं होगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, कोई बात नहीं, ठीक है। कल मैं वो यूनियन जुडिशरी का पूरा ही डू नोट्स बना के लेके आऊंगी और जल्दी जल्दी यहाँ पर रिपीट। एक और बात कि रश्मि, जैसे कि जैसे मैं क्लास में कई बार, आप जैसे गुड़िया भी नहीं होते है ना तो रश्मि होती है क्लास में, तो हमारी ये क्लास जो है रिकॉर्डिंग में ही रिकॉर्डेड होती है और वही यूट्यूब पर जो है वो चलाई जाती है, तो मैं वहां बार बार रश्मि बोल रही थी, तो नीचे ना एक कोई था गुरी नाम, पता नहीं कि लड़का था या लड़की थी, वो मैंने उनकी लाइव चैट देखी ना, तो वो बोलते मैम हम भी हैं, हमको भी बोलो रश्मि, रश्मि बोले जा रहे हो। शायद उनको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि वो रिकॉर्डिंग क्लासेस है, वो चलाई जा रही है। आप नोट्स दे देना। हाँ, नहीं नोट्स नहीं, मैं एक बार यहाँ भी रिवाइज जो है वो करवा दूंगी, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ गुड़िया आप सुनिए, पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट के बारे में हमने क्या आपको देखा, जो हमारा फर्स्ट क्लॉज है वहां पर बात की गई है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रूल्स रूल्स एंड स्टैंडिंग ऑर्डर रेगुलेटिंग द प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, देयर शेल द फ्रीडम ऑफ द स्पीच इन पार्लियामेंट, कि उनको क्या है फ्रीडम है स्पीच की, बोलने की। आप जानते हैं कि उस टाइम, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला कि जो हमारे पार्लियामेंट के जो लोग हैं, जैसे कि अपोजिशन, जैसे एक साइड क्या होता है कि जो रूलिंग पार्टी है जो जीत कर आई होती है वो उनकी वो बैठे होते हैं सारे, और एक साइड क्या होता है जो हमारी अपोजिशन पार्टी है वो बैठी होती है, और यदि वो थोड़ा सा भी कहीं गलत बोल देते हैं तो रूल अपोजिशन पार्टी जो एकदम से क्वेश्चन करती है, और अपोजिशन पार्टी के खिलाफ जो है वो एकदम से क्वेश्चन जो है वो कौन करते हैं, जो हमारी रूलिंग पार्टी, इसलिए वो जो वहां पर बैठे होते हैं ना कई बार वो हर कुछ ही बोलते रहते हैं, जैसे गालियां भी लपेटते हैं निकाले। तो बोला है कि उनको क्या है स्पेशली पावर दी गई है कि उनको इस बात की इम्यूनिटी दी गई है, छूट दी गई है कि यदि वहां पर पार्लियामेंट में बैठे हुए उन्होंने कुछ बोल भी दिया तो उनके खिलाफ कभी जो है वो डेफामेशन का केस कोई नहीं चलाता, ठीक है, यदि ऐसे चलाने लगे तो पता नहीं कितने केस जो है हमारे कोर्ट्स में हो जाए, ठीक है। और जो सेकंड दिया गया है वहां पर बोला है नो पर्सन ऑफ अ पार्लियामेंट शेल बी लाइबल टू एनी प्रोसीडिंग, की किसी भी पर्सन को जो पार्लियामेंट में है उनके खिलाफ कोई कार्यवाही जो है वो नहीं चलाई जाएगी इन रिस्पेक्ट ऑफ कोर्ट और एनी थिंग सेड इन द एनी वोट, ठीक है, और गिवन बाय हिम और इन पार्लियामेंट, ठीक है, एनी कमेटी द ऑफ द नो पर्सन शेल बी सो लाइबल इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है, और किसी भी पर्सन को किस लिए जो है वो लाइबल नहीं ठहराया जाएगा, पब्लिकेशन के लिए भी नहीं और रिपोर्ट के लिए भी, वोट और प्रोसीडिंग मतलब किसी भी प्रोसीडिंग के खिलाफ जो है वो
लेवल नहीं ठहराया जाएगा। और थर्ड में बोला है, गुड़िया समझ रहे हैं आप, ठीक है, थर्ड में बोला है इन रिस्पेक्ट एंड अदर रिस्पेक्ट उनको कुछ पावर दी गई है और इम्यूनिटी दी गई है हाउस ऑफ पार्लियामेंट में और एंड एंड ऑफ द मेंबर और कमेटी, कि वो क्या कर सकते हैं, वो मेंबर मिलकर क्या कर सकते हैं, कोई कमेटी बना सकते हैं, ईच हाउस शेल बी मेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम वो है, वो कोई ना कोई कमेटी बना सकते हैं, डिफाइंड बाय द पार्लियामेंट बाय द लॉ होनी चाहिए वो, ठीक है, और एंड अंटिल सो डिफाइंड, ठीक है, शेल दोज ऑफ द हाउस एंड द इट्स मेंबर एंड कमेटी इमिडिएटली बिफोर द कमिंग इन टू फोर्स, ठीक है, कि वो क्या कर सकते हैं जो है बना सकते। कोई बात नहीं गुड़िया, आपके पास बेरेक्ट है, लेकिन हमें तो सभी को लेके चलना है, इसलिए जो है वो, बट बेरेक्ट में ऐसा कुछ नहीं, जैसे कि आप सिलेबस ओपन करके देखेंगे ना, हाँ ये एक बार लास्ट फोर्थ क्लॉज जो है वो एक बार बता देती हूँ, फिर बात करते हैं, ठीक है, कि फोर्थ क्लॉज में दिया गया कि क्लॉज वन क्लॉज टू एंड क्लॉज थ्री ये जो है वो अप्लाई होंगे, ठीक है, सभी जो पार्लियामेंट के मेंबर पर हैं, और उनको की क्या दी गई है, राइट टू स्पीक पावर दी गई है, गुड़िया को भी समझ में आ गया होगा अब तो, सॉरी रश्मि को भी जिनके पास डायरेक्ट नहीं है, ठीक है, और कि उनको की राइट टू स्पीक है, अदरवाइज और जो कोई भी प्रोसीडिंग जो है वो उनके खिलाफ जो है वो नहीं चलाई जाएगी, ठीक है, और हाउस ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा वो है कि कोई भी मेंबर जो है वो कमेटी बना सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हाँ गुड़िया, यदि आप बोल रहे हैं कि आपके पास वर्ड वेरेक्ट है, लेकिन अब जो है वो मैं कल को नोट्स ही जो है लेके आऊंगी, लेकिन फिर भी यदि आप खुद से भी पढ़ना चाहते हैं तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, हमने पार्लियामेंट को डिस्कस कर लिया, कल हम जो है वो यूनियन जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट के जो सेक्शन है वहां से जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है, तो फिर हमारा आएगा यूनियन जुडिशरी, यूनियन एग्जीक्यूटिव को हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर को थोड़ा बहुत देख लेंगे, बाकी हमारा एक टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड कुछ प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्टेट है, ठीक है, उसके बाद हमें सिर्फ इमरजेंसी प्रोविजन डील करने हैं और उसके बाद हमने कुछ नहीं करना है, इसके अलावा जो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेजिडेंट है ये हमने देख ली है, गवर्नर की थोड़ी बहुत पावर्स जो है वो देख लेंगे। रश्मि आपको भी समझ में आ गया है, तो नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, बात की गई है सैलरी एंड अलाउंस ऑफ मेंबर की, इसको कि आप ठीक है ठीक है ठीक है रश्मि, ठीक है, और सैलरी एंड अलाउंस ऑफ मेंबर मेंबर की बात करी गई है, जहां पर बोला है कि मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट शेल इंटाइटल टू रिसीव सच सैलरीज, ठीक है, जो कोई भी मेंबर चाहे वो किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट का है वो इंटाइटल है कि वो रिसीव, कि एंटाइटल मतलब कि वो योग्य है कि क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है कुछ सैलरी एंड अलाउंस जो कि उन्हें दिए जाए, जो कि टाइम टू टाइम जो है डिटरमाइन करे जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है, मतलब जब भी उनको कोई सैलरी देनी होगी कि जब भी कोई अलाउंस देना होगा तो वो सब कुछ डिसाइड होता है पार्लियामेंट के द्वारा, जैसे कि हमने देखा ना कि हमने जब प्रेसिडेंट की सैलरीज देखी थी तो हमने उस दिन भी देखा था कि 1998 में 1995 में इतनी थी, 98 में फिर थोड़ी सी बढ़ गई, ठीक है, पहले 10,000 थी, फिर 15,000 होगी, फिर हमारा अलाउंस जो है वो हमारा 30,000 हो गया था, ठीक है, उसी तरीके से अब जो है वो एट प्रेजेंट पर 5 लाख रुपीज है ना, इसी तरीके से बोला है ये जो सैलरी का प्रोविजन है ये जो है वो पार्लियामेंट ही डिसाइड करती है अंटिल द प्रोविजन रिस्पेक्ट ऑफ मेट और अलाउंस एट रेट अपॉन सच कंडीशन और वर इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल टू द इन केस ऑफ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, ये समझ में आ गया है, और बाकी जो हमारा वेयर एक्ट है वहां पर हमें कुछ भी फिक्स सैलरी जो है वो नहीं बताई गई है, बस जैसे कि प्रेसिडेंट की भी नहीं फिक्स सैलरी बताई गई है, वहां पर बोला है टाइम टू टाइम जो पार्लियामेंट है वो अपनी मर्जी से जो है वो चेंज कर सकती है, उसको बना सकती है, ठीक है, यही जो है वो दिया है, पूरी स्लाइड्स देखो हमने क्या क्या कर दिया पूरी स्लाइड्स में, ठीक है, बात करते हैं कुछ लेजिस्लेटिव पावर की, 107 से हम लेजिस्लेटिव पावर देखेंगे, प्रोविजन एज इंट्रोडक्शन और एंड पासिंग अ बिल, ठीक है,
तो हाँ आप जानते हैं कि फर्स्ट एक बार मैं बताती हूँ, हमारे थ्री टाइप, जैसे कि मनी बिल होता है, और फाइनेंशियल बिल फर्स्ट होता है, और फाइनेंशियल बिल हमारा सेकेंड होता है। ठीक है, हमारे थ्री टाइप के बिल होते हैं। फिर पढ़ लेते हैं कि हमारा 107 जो आर्टिकल है वहां बात की है, प्रोविजन एज अ इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल। ठीक है, कि कुछ प्रोविजन है ऑफ इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल विल है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन आर्टिकल 109 एंड आर्टिकल 107 इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल एंड अदर फाइनेंशियल बिल। जैसे अदर फाइनेंशियल बिल में कौन आ गए, फाइनेंशियल बिल फर्स्ट एंड फाइनेंशियल बिल सेकेंड। ठीक है, ये होते हैं। रश्मि आप भी जो है वो एक थोड़ी सी कॉपी पेन ले मतलब ले लीजिएगा, वहां पर थोड़ा थोड़ा लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर बोला है फाइनेंशियल बिल और विल जो है मे बी ओरिजिनेट होते हैं आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में हो सकता है। बोले सब्जेक्ट टू द प्रोविजन इन आर्टिकल 108 और आर्टिकल 9, हमारा 108 और आर्टिकल 109 की हम बात करते हैं, देन बिल शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव पास्ड बाय द हाउस ऑफ पार्लियामेंट अनलेस अनलेस हैज बीन एग्रीड बाय द हाउस बाय बोथ हाउस और आइदर विदाउट अमेंडमेंट और विद सच अमेंडमेंट ओनली एज अ एग्रीड बाय द हाउस ऑफ बोथ हाउस। ठीक है, और आप एक और चीज जानते हैं कि हमारी अमेंडमेंट जो होती है वो हमारी 368 आर्टिकल में होती है, आर्टिकल 368 अमेंडमेंट। वहां पर टू टाइप से अमेंडमेंट की जाती है, बाय द स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, बाय द सिंपल मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी, वो अमेंडमेंट होती है। ठीक है, हाँ। और एक बिल जो है बोले सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 109 108 और 109, जहां पर 108 में हमने क्या हम क्या देख रहे हैं कि ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस इन सर्टन केसेस, कि जो ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है मतलब दोनों ही सदन जो है वो इकट्ठा ही किसी मैटर को रिलेटेड यदि कोई बिल पास होना होएगा तो दोनों ही राज्यसभा लोकसभा दोनों ही जो है इकट्ठे आ सकते हैं, और स्पेशल प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। और मनी बिल में क्या होता है, स्पेशल प्रोविजन होता है, मनी बिल हमेशा ही लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, और विदाउट अमेंडमेंट और विद सच अमेंडमेंट ओनली द एग्रीड बाय द बोथ हाउसेस। और थर्ड क्लॉज जो है वो बात करता है बिल जो पेंडिंग है इन पार्लियामेंट में शेल नॉट लैप्स बाय रीजन ऑफ द प्रोलोगेशन ऑफ हाउस। ठीक है, और हमारा फोर्थ बात करता है अ बिल पेंडिंग इन काउंसिल ऑफ द स्टेट, यदि बिल पेंडिंग है किसमें, राज्यसभा में, विच हैज नो नॉट पास्ड बाय द हाउस ऑफ द पीपल, कि उसको की पास नहीं किया गया है हमारे लोकसभा के द्वारा, शेल नॉट लैप्स, वो लैप्स नहीं होगा ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, कि जब हमारी हाउस ऑफ पीपल कब डिसोल्यूशन होता है उसका, जब हमारा टाइम पीरियड खत्म हो गया या हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। डिसोल्यूशन का क्या मतलब है कि कब जो है वो भंग हो जाती है, भंग कब होती है, जब हमारा पूरा टाइम पीरियड खत्म हो गया, जी 5 साल हो गए, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट इलेक्शन होंगे तब वो लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, और बिल जो है जो पेंडिंग होगा हाउस ऑफ पीपल में, ठीक है, मतलब एक तो बोल दिया कि ऐसा बिल जो कि हमारे राज्यसभा में पेंडिंग है, ठीक है, कोई भी बिल जो है वो मतलब चल रहा था, ठीक है, अभी वो पास नहीं हुआ, राज्यसभा में पेंडिंग है और पास नहीं हुआ है हमारी लोकसभा में भी, तो वो लैप्स नहीं होगा उसका टाइम पीरियड, और कि यदि हाउस ऑफ पीपल यदि हमारी लोकसभा डिसोल्यूशन भी हो गई तब भी वो क्या है, लैप्स नहीं होगा। ठीक है, और फोर्थ क्लॉज में फिफ्थ में बोला गया है कि बिल जो कि पेंडिंग है हाउस ऑफ पीपल में मतलब लोकसभा में वो पेंडिंग है, कहाँ लिखूं, लोकसभा में यदि वो पेंडिंग है, ठीक है, पेंडिंग, ठीक है, पेंडिंग है और द हाउस लोकसभा विच हैविंग बीन पास्ड बाय द हाउस ऑफ पीपल, यदि उसको पास कर दिया गया है हाउस ऑफ पीपल में, इज पेंडिंग एंड द काउंसिल ऑफ द स्टेट शेल टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 108 लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, जैसे कि बोला है कि यदि कोई बिल है यदि पेंडिंग है वो हाउस ऑफ पीपल में लोकसभा में है और विच हैविंग बीन पास जो कि पास हो गया है हमारे
यदि वो लोकसभा में क्या है वो पास हो गया है और राज्यसभा में पेंडिंग है, तो जब हमारी जो हाउस ऑफ पीपल जो लोकसभा है वो लैप्स होगी, डिसोल्यूशन होगी, उसका टाइम पीरियड जो है वो भी जो है वो लैप्स हो जाएगा। ठीक है, 108 की बात करेंगे जहां पर बोला है ज्वाइंट सिटिंग की, ज्वाइंट सिटिंग यदि कोई ऐसा बिल है जो दोनों हाउसेस में पास जो है वो किया जाना है, उसके लिए ज्वाइंट सिटिंग जो है वो बिठाई जा सकती है बोथ हाउस की। ठीक है, एक बार मैं इसको कल से भी पूरा चार्ट के थ्रू जो है वो समझा दूंगी। ठीक है, फिर बोला है कि प्रोसीजर क्या है ज्वाइंट सिटिंग में, क्या है कि जो 108 में दिया गया है कि ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउस इन रिस्पेक्ट ऑफ इन सर्टेन केसेस। ठीक है, कुछ केसेस में जो है वो ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है जब आफ्टर द बिल जो है वो पास किया जाता है बाय वन हाउस, यदि एक हाउस में जो है वो पास कर दिया गया। ठीक है, एंड ट्रांसमिटेड टू द अदर हाउस, देन अ बिल जो है वो रिजेक्ट किया जा सकता है किसी भी हाउस में, अदर हाउस में। ठीक है, एक हाउस में जो है वो यदि बिल पास हो गया है तो दूसरा हाउस जो है वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। और एक हाउस द हाउस हैव फाइनली डिसएग्री टू द अमेंडमेंट ऑफ द मेड इज इन दिस बिल, और यदि जो एक हाउस जो है वो डिसएग्री करते कि मैं हम जो है वो इस बात से सहमत नहीं है मतलब, तो उसको अमेंड भी किया जा सकता है। ठीक है, इन ये जो पूरा मनी बिल हमारा फाइनेंशियल बिल, इस सभी को मैं कल दोबारा से चार्ट के थ्रू जो है करवा दूंगी। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। और फिर बात करते हैं प्रोसीजर इन द फाइनेंशियल मैटर। ठीक है, 110 में, सॉरी 112 में जो है, 112 में बोला है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारा फाइनेंशियल बिल जो है इसकी बात की गई है। एक मिनट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करी गई है तो प्रेसिडेंट शेल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, हर एक फाइनेंशियल ईयर जो होता है वहां पर एक प्रेसिडेंट जो है वो ले डाउन लेड बिफोर द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जहां पर दोनों ही हाउस, चाहे आप लोकसभा की बात कर लीजिए चाहे आप राज्यसभा की बात कर लीजिए, दोनों हाउसेस के सामने स्टेटमेंट जो है वो ली जाती है टू द एस्टिमेट रिसिप्ट की। क्या आप जानते हैं कि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है कि पूरे साल में कितना जो है हमारे पास कितना आया, कितना पैसा हमने जो है वो अर्न किया, मतलब अर्न कहाँ से करते हैं, हमारे टैक्सेस से कितना पैसा आया। ठीक है, मतलब टैक्सेस से कितना पैसा आया हमारी जो पूरा जो भी, जिससे कि हमारा टूरिस्ट प्लेसेस से भी पैसा आता है। आप जानते हैं कि जो कोई भी जैसे कि गवर्नमेंट की लैंड है, यदि उसको उस पर कुछ कोई भी जैसे कि गवर्नमेंट की इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट का कुछ कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट है जो गवर्नमेंट का है, वहां से गवर्नमेंट को सबसे ही क्या आता है, पैसा। ठीक है, और टैक्सेस में सबसे ज्यादा पैसा जो है वो गवर्नमेंट को आता है। तो एक पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है कि क्या कुछ चीज कितना जो है वो पूरा ब्योरा बनाया जाता है कि कितना पूरे साल में गवर्नमेंट के पास आया और कितना जो है वो उन्होंने कौन कौन से डिपार्टमेंट पर खर्च किया। ठीक है, तो हमारी जी जो रिपोर्ट है उसको जो प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट शेल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल। रश्मि इतना सारा, ओ सॉरी, इतना सारा लिख रहे हैं आप पासिंग ऑफ बिल 107 में। हाँ जी, बट मैं चाह रही थी कि मैं इसको पूरा दोबारा से चार्ट के थ्रू पढ़ाऊं। ठीक है, वहां पर पासिंग ऑफ बिल की बात की गई है और ज्वाइंट सिटिंग की, जब भी पास करना होएगा बिल तो ज्वाइंट सिटिंग जो है वो भी करवा सकते हैं। ठीक है, वहां पर वो एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं जब यदि इन सर्टेन केसेस में। ठीक है, और स्पेशल प्रोविजन दी गई है कुछ इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। ठीक है, यहाँ पर हमने इस मनी बिल को पूरा अभी डिस्कस नहीं किया क्योंकि मैं चाह रही थी कि उसको पूरा चार्ट के थ्रू अलग से स्लाइड्स जो है वो लेके आऊंगी। ठीक है, तो मनी बिल को वहां पर डिस्कस कर लेंगे कि मनी बिल का कंसेप्ट काफी ज्यादा बड़ा भी है। ठीक है, असेंट्स ऑफ बिल, ठीक है, ये हमारे आर्टिकल जो है वो उधारे रह गए कल के लिए। ठीक है, इनको कल भी डिस्कस कर लेंगे। बात करते हैं हमारा प्रोसीजर इन फाइनेंस मैटर, फाइनेंशियल मैटर स्टेटमेंट, प्रोसीजर इन फाइनेंशियल मैटर, एंड हमारा 112 जो आर्टिकल है
112 जहां पर बोला है कि वार्षिक वित्तीय विवरण की पूरी एक स्टेटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट के सामने जो है पेश की जाएगी, कितना आपने खर्च किया, कितना हम अपना हमारे गवर्नमेंट को आया, ठीक है। वहां पर बोला है प्रेसिडेंट शेल इन रिस्पेक्ट ऑफ द एवरी फाइनेंशियल ईयर कॉज टू ले डाउन बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट अ स्टेटमेंट और एस्टिमेट दिया जाता है, जैसे कि पूरा एस्टिमेट दिया जाता है कि किसी भी घर को, जैसे कि आपने नॉर्मल एक घर का ही निर्माण करना हो तो पूरा एक एस्टिमेट बनाया जाता है कि जैसे कि इस पर्टिकुलर मटेरियल पर आपको इतना पैसा लगेगा और इतना इतना मतलब पूरा हमारा जितना कि कितना खर्चा जो है वो आएगा, ठीक है। बोला है पूरा एस्टिमेट जो है वो दिया जाता है, पूरा एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट के गवर्नमेंट ने पूरे साल में क्या एक्सपेंडिचर किया उसका भी जो है वो पूरा इस तरह से पूरी एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है वो स्टेटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दी जाती है, ठीक है। और एस्टिमेट और एक्सपेंडिचर जो है वो इम्पोर्टेड इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि क्या शो करते हैं हमारी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है। द सम ऑफ रिक्वायर्ड टू मीट एक्सपेंडिचर प्रेस्क्राइब बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, कि कौन कौन से एक्सपेंडिचर जो है वो चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कहाँ से जो है हमारे एक्सपेंडिचर हुए, और कुछ सम रिक्वायर टू मीट अदर एक्सपेंडिचर और कुछ अदर एक्सपेंडिचर, मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया, कितना खर्चा किया, इस बात का पूरा जो है वो एस्टिमेट जो है वो बनाया जाता है। एंड सम रिक्वायर द मीट अदर एक्सपेंडिचर प्रपोजल प्रपोज टू बी मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर शेल बी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। अमोलमेंट और अलायंस की कितनी, जैसे कि अमोलमेंट आप जानते हैं जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट पर होते हैं ना, जरूरी नहीं है कि जैसे कि कोई कोई भी आपके प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, या आपके जो भी एमएलए होते हैं या एमपी होते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, या किसी भी अच्छी रैंक पर भी होते हैं, तो उनको आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा अलाउंस जो भी दिए जाते हैं, ठीक है, कुछ डेयरनेस अलाउंस, कुछ अलग अलग की, मतलब बहुत ज्यादा अलाउंस भी दिए जाते हैं। तो इन सभी को कि आपका कितना खर्चा हुआ अमोलमेंट और अलाउंस के लिए, अब पहले तो बोला कि ऑफ द प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट पर कितना खर्चा हुआ, कितना उनको अलाउंस दिया गया, और अदर द एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू द ऑफिस, और उनके ऑफिस में कितना खर्चा हुआ, ठीक है। अलाउंस की बात की गई है कि प्रेसिडेंट ने को प्रेसिडेंट को कितना अलाउंस दिया गया और उनके ऑफिस में, ठीक है, और अदर उनके ऑफिस में कितना जो है वो खर्चा हुआ, ठीक है, ऑफिसर्स पर, अदर ऑफिसर्स पर, जो भी आप जानते हैं कि राष्ट्रपति भवन में, आपको उस दिन भी मैंने बताया था कि राष्ट्रपति भवन के बारे में, जैसे पूरा राष्ट्रपति की पूरी अमोलमेंट और सैलरी सब कुछ बताया था, तो वहां ये बताया था कि हमारे एक राष्ट्रपति भवन दिया जाता है और वहां पर बहुत, जैसे रिसेप्शन हॉल भी है और बहुत डिपार्टमेंट में ऑफिस भी बनेंगे, तो इन सभी ऑफिस पर क्या क्या कुछ खर्चा आता है उसकी भी यहाँ पर बात की गई है कि अमोलमेंट और अलायंस ऑफ द रिस्पेक्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड अदर एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू ऑफिस, और अदर एक्सपेंडिचर जो कि उसके ऑफिस में यूज किए जाते हैं, और फिर बोला अमोलमेंट एंड अलायंस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड अदर एक्सपेंडिचर, ये तो वही आ गया, और सैलरी एंड अलायंस ऑफ द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, फिर बात करी की है कि वहां पर और क्या देखा जाएगा। अब हम पढ़ क्या रहे हैं, याद रखिए कि 112 जो कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, क्या कुछ जो गवर्नमेंट के खर्चे हैं और कहाँ कहाँ से कितने पैसे जो है गवर्नमेंट को आए हैं वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। रश्मि गुड़िया, कहीं भी कोई कंफ्यूजन होगी तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। फिर बोला है कि जो सैलरी एंड अलायंस ऑफ चेयरमैन, ठीक है, चेयरमैन की कितनी सैलरी है, ठीक है, और कितना उसको अलाउंस जो है वो उनको अलाउंस जो है वो दिया जा रहा है, चाहे चेयरमैन में चाहे डिप्टी चेयरमैन में, एंड काउंसिल ऑफ द स्टेट अ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, ठीक है, कि उन सभी को कितने पैसे जो है वो दिए जाएंगे, और हमारे डेप्ट चार्ज फॉर विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लेबल इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट सीकिंग एंड फंड चार्ज एंड हमारा रिडेम्पशन चार्ज, ठीक है, और हमारे अदर चार्जेस जो है, जैसे कि कितना गवर्नमेंट को लोन है, ठीक है, रेजिंग ऑफ द लोन और सर्विस एंड रिडेम्पशन ऑफ द डेट,
आप जानते हैं कि गवर्नमेंट को भी लोन होता है ना? जैसे अभी हमारे हिमाचल प्रदेश को भी बहुत ज्यादा लोन है। यहां तक समझ में आ रहा है रश्मि गुड़िया? एक बार बता दीजिए, ठीक है। और फिर बोला है सैलरी एंड अलायंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस की बात करी गई है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी कितनी गई पूरे साल में, कितने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कितनी सैलरी दी गई और कितने अलायंस दिए गए, ठीक है। और द पेंशन पेएबल पेएबल और इन रिस्पेक्ट ऑफ द जजेस ऑफ फेडरल कोर्ट, ठीक है। और जजेस की आप जानते हैं कि हमारे जुडिशरी में क्या सिस्टम है कि उनको बहुत बढ़िया सैलरी मिलती है, ठीक है, और साथ ही साथ उनको पेंशन भी बहुत बढ़िया मिलती है, ठीक है। और द पेंशन पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, चाहे हाई कोर्ट के जजेस की पेंशन हो, और एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन इन रिलेशन द एरिया जो इंक्लूड करता है टेरिटरी ऑफ इंडिया, और विच एट द टाइम बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्सरसाइज द ज्यूरिसडिक्शन इन रिलेशन टू। हाँ जी रश्मि, 1.50 लाख रुपए वो ऐसा होता है कि, हाँ, हाई कोर्ट के जजेस को तो इससे ज्यादा होती है, बट जो लोअर कोर्ट के जज होते हैं ना उनको भी जो है वो आफ्टर द 1 ईयर जो है वो, पहले तो उनको ऐसे बोलते हैं 40-80 यहाँ तक मिलती है फर्स्ट ईयर में, लेकिन जब हमारा उनका 1 साल जो वो कंप्लीट हो जाता है वहां, उसके बाद उनकी सैलरी जो है वो अराउंड 1 लाख रुपीज तक पहुंच जाती है, ठीक है। बट ये है कि बहुत सरदर्दी भी होती है उस काम में, बहुत टेंशन वाली जॉब है वो, ठीक है। और बोला है कि और उनकी सैलरी इतनी ज्यादा हाई, वैसे सैलरी नहीं होती इतनी ज्यादा हाई, जो जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो जो लोअर भी है उनकी सैलरी इतनी नहीं होती, बट उनको अलाउंस बहुत ज्यादा मिलते हैं। जैसे कि उनका जो पूरा, जैसे कि रेजिडेंस फ्री होता है उनको, फिर उनको जो है स्लाइड बदलो, हाँ पूरी भरगी है ना। हाँ मैं बोल रही थी कि उनको सैलरी जो है वो इतनी ज्यादा नहीं मिलती, बट मतलब सैलरी उनको नॉर्मली होती है, लेकिन बाकी अलाउंस जैसे कि आपकी उनको, जैसे कि उनका फोन बिल जो है वो बिल्कुल नहीं होएगा, फ्री डाटा मिलता है, मतलब जितना मर्जी आप डाटा इंटरनेट यूज करो, ठीक है, इंटरनेट यूज करो, फिर उनको डेली के डेली पता नहीं 1 मंथ में मिलता है कि 60 लीटर पेट्रोल मिलता है, या पता नहीं इतना मिलता है, मतलब अलाउंस बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है। ये सब था कि फिर है एप्रोप्रिएशन हमारा कहाँ तक पहुंचे थे हम, हाँ सैलरी देख लेते हैं। सैलरी अलाउंस ऑफ द पेंशनेबल पेंशन पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। और अब रश्मि क्या करे, पूरी स्लाइड्स भरी गई है तो कहाँ को जाना है, तभी तो मैं बोल रही कल मैं ना दोबारा से भी आपको वो पूरा मनी बिल करवाऊंगी ना, तो मैं अलग से स्लाइड्स जो है वो खाली रखूंगी। अब देखते हैं कि फिर बोला है कि सैलरी एंड अलाउंस एंड पेंशन पेबल एंड टू इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर, हमने देखी प्रेसिडेंट की, फिर हमने देखी डिप्टी एंड हमारे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की, चेयरमैन की, इन सभी की अलाउंस कितनी गई, कितना उनको सैलरी गया, ये सब जो है वो देखा जाता है। सैलरी एंड अलाउंस ऑफ पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कितनी सैलरी गई, ठीक है, और हाई कोर्ट के जजेस की, जजेस जो है उनको कितनी सैलरी गई, साथ ही साथ उनकी पेंशन्स भी देखी जाती कितनी मिली। आप जानते हैं कि हमारे जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज, जैसे कि हमारे सीजीआई जो है वो थोड़े टाइम के बाद बदलते रहते हैं और उनको जो है रिटायर कर दिया जाता है, जब आप सोचो कि इतनी बड़ी पोस्ट से आप जा रहे हो तो उनको सैलरी कितनी ज्यादा मिलती होगी, है ना। तो ये जो ये सारे ही किसके खर्चे होते हैं, गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं, और इन सभी की रिपोर्ट जो है वो बनानी पड़ती है। और हमारा फिर बोला है एनी सम रिक्वायर्ड सेफ्टी सेटिस्फाइड एनी जजमेंट डिक्री अवार्ड और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल और एनी अदर एक्सपेंडिचर डिक्लेयर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द पार्लियामेंट, और कोई भी अदर एक्सपेंडिचर, ठीक है, कोई भी ऐसा अदर खर्चा
जैसे कि अदर कंट्री में भी बहुत ज्यादा आ जाते हैं कि आपने रोड में कितना पैसा लगाया, आपने वाटर फैसिलिटीज पर कितने पैसे लगाए, कितने लोगों को रोजगार दिया, कौन सी इंडस्ट्री लगाई, गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, है ना। तो ये सारे ही खर्चे की स्टेटमेंट किसको दी जाती है, हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दी जाती है, ठीक है। फिर है कि प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ एस्टिमेट, कि क्या प्रोसीजर है हमारा, 113 की हम बात करते हैं कि प्रोसीजर क्या है जब हम एस्टिमेट देंगे पार्लियामेंट में, अपना एस्टिमेट जो है वो पेश करेंगे। बोला है सो मच द एस्टिमेट एज रिलेट टू द एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड शेल नॉट द सबमिटेड टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट एंड नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग क्लॉज और शेल कॉन्स्टिट्यूट एज प्रिवेंटिंग प्रिवेंटिंग द डिस्कशन इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और एनी दोस एस्टिमेट, ठीक है। ये क्या कुछ दिया गया है कि क्या प्रोसीजर है, जिस तरीके से क्या होगा हमारा एस्टिमेट जो है वो पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। तो बोला है कि जो भी एक्सपेंडिचर के चार्जेस जो होंगे उनका पूरा एस्टिमेट जो बनाया जाएगा अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब कंसोलिडेटेड फंड क्या है, हमारी कोष निधि है, ठीक है, पूरे इंडिया की कोष निधि है। कि उसमें क्या होता है कि जैसे वहां से हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही हमारी जो बड़ी बड़ी हमारी पोस्ट है ना, जो हमारी हायर पोस्ट है, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस हो गए, उन सभी को जो है वो सैलरी कहाँ से मिलती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही मिलती है, ठीक है। तो बोला है कोई भी जो है एस्टिमेट जो रिलेट करता है एक्सपेंडिचर और चार्ज किया जा रहा है अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड शेल नॉट बी सबमिट टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, जो कि सबमिट नहीं होता है वोट ऑफ द पार्लियामेंट, बट नथिंग इन द क्लॉज शेल बी कॉन्स्टिट्यूट और प्रिवेंट प्रिवेंटिंग करता है द डिस्कशन एंड आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और एनी ऑफ दीज एस्टिमेट्स, ठीक है। ये क्या कुछ एस्टिमेट ही दिए गए हैं, सब क्लॉज 2 भी दिया गया है, सब क्लॉज 3 भी दिया है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा जो है वो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख ही लेते हैं कि सच सो मच एज ऑफ द सेट एस्टिमेट जो रिलेट करता है अदर एक्सपेंडिचर, मतलब यदि आपने एस्टिमेट जो है वो पेश किया वो जो रिलेट करता है अदर एक्सपेंडिचर से, चाहे शेल बी सबमिटेड है इन द फॉर्म ऑफ डिमांड फॉर द ग्रांट ऑफ हाउस ऑफ द पीपल, यदि वो एस्टिमेटेड है और बनाया गया है किस और ग्रांट दी गई है हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा के, जैसे कि होता है ना कि लोकसभा के जो मेंबर होते हैं ना, आप ये बात जानते हैं कि जैसे कि लोकसभा के मेंबर हैं उनको यदि हमारे साइड का कोई लोकसभा का मेंबर है तो उसको इतने लाख रुपीस जो है वो इतने करोड़ रुपए दिया जाएगा कि आप अपने क्षेत्र की जो है वो उन्नति में लगाइए, विकास करिए, क्या रोड बनाइए, क्या मतलब जो भी बनाना है वो आप लगा सकते हैं, इतने पैसे जो है वो आप इस एरिया को, इस एरिया के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको दे दिया जाता है, ठीक है। ग्रांट ऑफ हाउस ऑफ द पीपल एंड हाउस ऑफ द पीपल शेल हैव अ पावर टू असेंट, और हाउस ऑफ पीपल के पास क्या है, पावर है उसको असेंट देने की और रिफ्यूज करने की, ठीक है, और डिमांड करने की और असेंट टू एनी डिमांड सब्जेक्ट टू द रिडक्शन ऑफ एनी अमाउंट, ठीक है। क्योंकि उन जैसे कि उन हाउस ऑफ पार्लियामेंट में कितने पैसे की ग्रांट जो है वो किस भी मंत्री को दे दी गई है, तो उसके पास, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, उसको क्या ग्रांट भी कर सकते हैं, उस पर असेंट भी दे सकते हैं, उसको रिफ्यूज भी कर सकते हैं, ठीक है, उस उन और उनकी एनी डिमांड के ऊपर, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया है, तो नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। फिर दिया है अप्रोप्रिएट बिल, यहाँ पर सिर्फ अप्रोप्रिएट बिल की बात की गई है, जो हमारा विनियोग विधेयक जो है, वी नियोग विधेयक, ठीक है। एज सून एज मे बी आफ्टर द ग्रांट अंडर द आर्टिकल 113 हैव बीन मेड बाय द हाउस ऑफ पीपल देयर शेल बी इंट्रोड्यूस अ बिल, जो प्रोवाइड किया गया है फॉर द अप्रोप्रिएट आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड फॉर ऑल मनी जो रिक्वायर्ड टू मीट, जैसे कि यदि कोई ग्रांट दी गई है सो मेड बाय द हाउस ऑफ पीपल, ठीक है,
और एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कोई भी एक्सपेंडिचर जो चार्ज किया गया है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आप जानते हैं कि किसी को भी पैसा देना होता है ना, तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। हम नॉर्मल लोगों को, जैसे कि हमें कल को जॉब लग जाती है अच्छी वाली, तो हमें कहाँ से पैसा आता है? गवर्नमेंट का जो भी टैक्सेस होता है वही पैसे जो है वो हमें दिए जाते हैं। लेकिन इन सभी को जो पैसे आते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आते हैं, जो भी हमारी बड़ी बड़ी पोस्ट होती है। लेकिन इस आर्टिकल में कुछ और है, अप्रोप्रिएट बिल की बात की गई है, ठीक है? और इसको कि हम जो है वो कल से दोबारा से डिस्कस थोड़ा बहुत कर लेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि सप्लीमेंट्री एंड एडिशनल एंड एक्सेस ग्रांट बोला है कि इसके अतिरिक्त, ठीक है, इन सभी ग्रांट के अतिरिक्त जो है वो कुछ एक ग्रांट, जो कि हमने बात करी है कि कुछ सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या क्या है, जैसे कि जो मनी है वो स्पेंड की जाती है किसी भी सर्विस में, ठीक है, ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, कि जो जो उनका जो पैसा है वो कहाँ कहाँ खर्च किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये जो सैलरीज बताई, इनके अलावा कौन कौन सी जगह पर जो है वो खर्च किया जा रहा है, और एस्टिमेट बनाया जाता है अमाउंट द एक्सपेंडिचर ऑफ द प्रेजेंट हाउस ऑफ द पीपल में डिमांड एंड एक्सरसाइज, ठीक है। और अदर पैसे जो है वो एडिशनल, जैसे एक्सेस ग्रांट की जा रही है इसके अतिरिक्त, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया है। फिर बोला है 116 में बात की है वोट ऑन अकाउंट की लेखा पर वोट की। वहां पर क्या होता है, जब वो बिल पास होता है तो वहां पर वोटिंग भी करवाई जाती है, कौन पर्सन जो है, कौन कौन से मेंबर जो है वो इस बात से सहमत है कि ये ऐसे होता है ना, वहां पूछते हैं कि ऑपोजिशन में भी पूछते हैं कि इतना पैसा, जैसे कि एक एमपी को इतने पैसे दे दिए गए हैं, उन्होंने अपने एरिया में जो है वो इतने पैसे लगा दिए थे, ठीक है। तो वो ब्योरा देते हैं पूरा कि हमने इतने पैसे वहां पर खर्च किए, इतने वहां पर खर्च किए, ठीक है। ये सब जो है वो दिया गया होता है, लेकिन बोला इसके अलावा जो है वो वहां पर वोटिंग भी कराई जाती है, और वहां वो पूछते भी है। एक एक एमपी ने बोल दिया कि इतने पैसे मेरे को इतने करोड़ की ग्रांट दी गई थी, मैंने वहां पर लगाई जी, अपने एरिया में रोड बनाया, जैसे कि पूरा शिमला टू धर्मशाला जो है वो रोड बना दिया, ठीक है। तो वो उस एरिया के एमपी को पैसे दिए होते हैं। तो दूसरा पर्स जो अलग से एमपी होते हैं ना, वो बहस भी करते हैं उस टाइम, आपने कभी पार्लियामेंट को देखा होगा ना, तो वहां पर बहस भी करते हैं कि कितने पैसे, तभी तो बोलते हैं कि कुछ, जैसे कि ऐसा तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन यदि कहीं भी कोई घोटाला होता है ना, तभी तो बोलते हैं कि ये जो मंत्री होते हैं वो बीच में कुछ पैसे जो है, या तो ठेकेदार खा जाते हैं जिस कारण अच्छा जो है वो रोड नहीं बन रहे हैं, जिस कारण मतलब आजकल करप्शन हो रही है ना। तो यही होता है कि वहां पर क्या है, उनको सब कुछ बोले प्योर तरीके से बताना पड़ता है। वोटो भी होता है, यदि आप पूरा अपना पेश कर रहे हो ना कि मैंने ये चीजें जो है वो अपने एरिया में करी है, तो फिर वहां पर वोटिंग होती है कि कौन कौन पर्सन जो है वो इस बात से सहमत है कि इन्होंने ऐसा बनवाया है या नहीं बनाया, ठीक है। फिर इतने पैसे, फिर वो बोलते हैं कि इतने यहाँ पर इतने पैसे कहाँ खर्च होने थे, आप जो है वो ये बोल रहे हैं, तभी तो वो हर कुछ बोलते हैं। और इसी बात की तो उनको पावर दी गई, प्रिविलेजेस दी गई कि यदि ऐसा कुछ हो भी जाता है, मतलब वो कुछ बोल भी देते हैं, मतलब वो कुछ भी बोल देते हैं, तो उनको छूट दी गई है, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है, ठीक है। और वोट होते हैं क्रेडिट एंड एक्सेप्शन ग्रांट्स, ठीक है, जो भी ग्रांट अनुदान जो दिया गया है, ठीक है, जो मैंने बात करी ना कि जो भी क्रेडिट और एक्सेप्शन ग्रांट जो दी जाती है, उस बात को लेकर क्या होता है, वोट होता है। और कुछ स्पेशल प्रोविजन एज अ फाइनेंशियल बिल भी है, ठीक है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, थ्री बिल होते हैं। एक तो हमारा मनी बिल होता है, इसको कि हम कल चार्ट के थ्रू बिल्कुल डिटेल में सीखेंगे। एक मनी बिल होता है, दूसरा फाइनेंशियल बिल होता है, और वन फाइनेंशियल बिल फर्स्ट होता है, फाइनेंशियल बिल सेकेंड होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं प्रोसीजर, जनरली रूल ऑफ प्रोसीजर क्या है, रेगुलेशन बाय द लॉ, जो कि प्रोसीजर इन अ पार्लियामेंट रिलेशन टू द फाइनेंशियल बिल। इन सभी को हम, दो स्लाइड्स बची हैं बट कोई बात नहीं, उनको हम सारा ही चार्ट के थ्रू ही पढ़ लेंगे। यहाँ पर कोर्ट नॉट इंक्वायर्ड इनटू द प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, वही बात की गई है। रिस्ट्रिक्शन ऑन द बिजनेस डिस्कशन ऑफ पार्लियामेंट, की संसद में जो भी चर्चा होगी उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं लगाई गई है। पहले बोला है कि रूल ऑफ प्रोसीजर क्या है, कि किस तरीके से कि क्या रूल है प्रोसीजर का, किस तरह से हमारे बिल जो है वो पेश होंगे, इस बारे में बात की गई है, ठीक है, इसको हम कल देख लेंगे। फिर बोला है रेगुलेशन बाय द लॉ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट इन रिलेशन टू द फाइनेंशियल बिजनेस, ठीक है। और 20 में बोला गया, आर्टिकल 20 120 में, कि
लैंग्वेज जो यूज की जाएगी पार्लियामेंट में उसकी बात की गई है, ठीक है, कि कौन सी लैंग्वेज जो है वो पार्लियामेंट में यूज की जाएगी, ठीक है। तो यहां पर बोला है नोटविथस्टैंडिंग एनीथिंग पार्ट 17 व्हाट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन, हमारा आर्टिकल 348, ठीक है, 348 आर्टिकल में बिजनेस इन द पार्लियामेंट शेल बी ट्रांजेक्टेड इन हिंदी और इंग्लिश। यहाँ पर सिर्फ ये बोला है हिंदी और इंग्लिश में ही ये दोनों ही लैंग्वेज जो है वो यूज होंगी, ठीक है, याद रखिएगा। और रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट की यहाँ पर जो है वो बात करी गई है कि नो डिस्कशन शेल बी टेकन प्लेस इन द पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ द कंडक्ट ऑफ एनी जज बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, कि कोई भी डिस्कशन हो रहा है पार्लियामेंट में, ठीक है, यदि कुछ भी वो डिस्कस कर रहे हैं इससे रिलेटेड जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कोई पावर नहीं है उनकी उनको क्वेश्चन पूछे, ठीक है, और कोई भी किसी भी कोर्ट के द्वारा, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की बात कर लीजिए, किसी को भी क्या है कोई भी कोर्ट जो है वो इंक्वायरी नहीं कर सकता है, जो भी प्रोसीडिंग होगी हमारे पार्लियामेंट में उसके उससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के द्वारा नहीं की जाएगी, ये जो है वो प्रिविलेजेस पावर दी गई है हमारे पार्लियामेंट के मेंबर को, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया है आपको। एक बार जो मैं कल मनी बिल जो है जो बिल पूरे टाइप ऑफ बिल है इसको करवा दूंगी, बाकी जो है वो हमने यहाँ से कर लिया है, ठीक है, उसमें हम देख लेंगे कि क्या प्रोसीजर है, ठीक है, शुरू में, ठीक है। और फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 जो है वहां पर दी गई है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट की, आर्टिकल 123 जो कि पावर बात करता है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द एक्सेस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, और संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति, कि यदि संसद में क्या है जो है संसद के जो अवकाश चल रहा है, ठीक है, जो पावर है प्रेसिडेंट को प्रोमुलगेट द ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट, यदि पार्लियामेंट में रिसेस का टाइम भी है 120, हाँ 122 जी रश्मि, यहाँ पर बोला है कि जो जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग होंगी ना, यदि वो कुछ भी, जैसे आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में कुछ भी बोलते रहते हैं, मतलब जो भी उनकी प्रोसीडिंग होगी उन उसको कोई भी कोर्ट वो है वो इंक्वायरी नहीं करेगी, जांच पड़ताल जो है वो उनकी उनके द्वारा नहीं की जाएगी, किसी भी न्यायालय में नहीं की जाएगी, ठीक है, ये दिया गया है 120 में, ठीक है, 122 में सॉरी, ठीक है। और 123 में बोला है कि राष्ट्रपति जी को पावर है, ये हमने जब हमने पावर्स देखी थी ना वहां भी देखा था ये, तो कि जो जो हमारे जो प्रेसिडेंट है उनको पावर दी गई है कि प्रोमुलगेट कर सकते हैं किसी भी, जैसे कि अध्यादेश जो है वो जारी कर सकते हैं जब रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट होगा तब भी, ठीक है, इफ एनी टाइम एक्सेप्ट बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट आर द सेशन, कि जब भी किसी भी समय में या इसके अलावा भी संसद के दोनों सदनों का सत्र जो चल रहा है, तो राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट है कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जिसके उसके लिए तत्काल कार्यवाही आवश्यक बनती है, कि यदि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनको ऐसा लगता है कि कुछ नेसेसरी स्टेप लेने चाहिए, मतलब कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस जैसे इमरजेंसी का ही कोई ऐसी सिचुएशन हो गई या कुछ भी ऐसा हो गया, मतलब खतरनाक वाली सिचुएशन हो गई जी, और कोई भी ऐसा जो इम्पोर्टेंट जो है वो डिसीजन लेना हो या तो कोई भी तत्काल कार्यवाही करनी हो, तो प्रेसिडेंट को ऐसे लगता है कि वो इमिडिएट जो है वो सेशन बुला सकते हैं, तो नेसेसरी फॉर हिम और इमिडिएट एक्शन देन ही मे प्रोमुलगेट कर सकते हैं सच ऑर्डिनेंस एज सर्कमस्टांसेस अपीयर टू हिम और रिक्वायर, ठीक है। और फिर बोला है एंड ऑर्डिनेंस जो है मतलब अध्यादेश जो है वो प्रोमुलगेट किया जा सकता है अंडर दिस आर्टिकल शेल हैव द सम फोर्स और इफेक्ट एज अ एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट बट एवरी सच और ऑर्डिनेंस, ठीक है। वहां पे बहुत बात बोली है कि सब क्लॉज 1 में शेल बी लेड डाउन लेड बिफोर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, और शेल सीज टू ऑपरेट एट एनी एक्सपायरेशन ऑफ द 6 वीक, ठीक है, जहां पर जैसे कि संसद के दोनों सदन के समक्ष रखा जाएगा, संसद को पुनर्गठन 6 सप्ताह की समाप्ति पर और उस अवधि की समाप्ति से पहले और उन संकल्पों में से दूसरे के पारित होने पर उसे स्वीकार अस्वीकार करने वाले संकल्प दोनों ही सदनों में पारित किए जाते, ठीक है। और बी में बोला है कि जो राष्ट्रपति हैं वो मे बी विड्रॉ एट द टाइम ऑफ द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम ऑफ अ प्रेसिडेंट, और उस जो ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट उन्होंने किया है उसको कभी भी जो है राष्ट्रपति जी
वापस जो है वो ले सकते हैं, राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय जो है वापस लिया जा सकता है उनका ऑर्डिनेंस, जो उन्होंने उनका जो प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस होगा उसको वापस लिया जा सकता है। ठीक है, बोला है कि जहां संसद के सदनों को अलग अलग तारीखों पर फिर से इकट्ठा करने के लिए बुलाया गया है, मतलब यदि प्रेसिडेंट चाहते हैं तो वो अलग अलग दोनों ही सदनों को जो है वो इकट्ठे बुला सकते हैं इस खंड प्रयोजन के लिए, उन तारीखों के बाद जो है 6 महीने की अवधि की गणना की जानी चाहिए। ठीक है, और यदि क्या होता है, इफ एंड सो फार एज ऑर्डिनेंस अंडर दिस आर्टिकल मेक एनी प्रोविजन ऑफ सच पार्लियामेंट, की पार्लियामेंट को ऐसे बोले यदि जहां और जहां तक कि इस अनुच्छेद के अधीन अध्यादेश ऐसा कोई उपलब्ध उपबंध करता है कि संविधान के अधीन किसी संसद अनियमित अधिनियमित करने के लिए समक्ष नहीं होगी तो वो शून्य होगा, कि यदि कोई ऑर्डिनेंस इफ सो फार एज ऑर्डिनेंस अंडर दिस आर्टिकल मेक एनी प्रोविजन विद सच पार्लियामेंट और वुड नॉट अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन, की यदि कोई भी ऐसा प्रोविजन जो पार्लियामेंट ने बना दिया है वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, वॉइड कर दिया जाएगा। यही था हमारा आज का सेशन, और समझ में आ गया होगा रश्मि गुड़िया, तो बता दीजिए, कहीं भी कोई कंफ्यूजन रहेगा तो बता दीजिएगा। ठीक है, बस हमारा क्या छूटा है इनमें से, हमने पूरा चार्ट के थ्रू पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि मैंने ना अपने जो नोट्स थे मैंने वहां पर थोड़ा सा बनाया था, ठीक है, उसको मैं कल जो है वो उसको कंप्लीट करके जो है वो आपको चार्ट के थ्रू ही समझा दीजिए। फिर वहां पर आप क्या करिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, फिर आप पूरा ही जो टाइप ऑफ बिल क्या है, क्या प्रोसीजर है, इन सभी को कर लीजिएगा। ठीक है, फिर हमारा कुछ नहीं रहेगा, मतलब हम पूरा बिल जो है वो अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि मैं अभी आर्टिकल मैं देख रही थी तो इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो जाना था, तो इसलिए मैंने सोचा कि उसको अलग से करवाऊंगी। ठीक है, बाकी हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जाते जाते यदि आप रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं तो, और यदि आप यूट्यूब पर भी देख रहे हैं तो हमारे पेपर 1 और पेपर 2 के भी जो है अदर अदर सब्जेक्ट के कोर्सेज जो है वो चलाए गए हैं, यदि आप किसी भी कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, और साथ ही साथ आप यदि कोड का यूज करेंगे पूजा 10 तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। थैंक यू सो मच गुड़िया रश्मि, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। नोट, हाँ, रश्मि नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ, चार्ट के थ्रू जो मैं बताऊंगी वो नोट डाउन कर लीजिएगा, और बाकी क्योंकि आप ये बात तो आप भी जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा, और जो उसी को लेकर थोड़ा बहुत हौच-पौच हो गया आज की, मैं कभी कुछ बोल रही थी नोट्स के बारे में, और थैंक यू शुभ सुपर क्लास, थैंक यू रश्मि। कोई बात नहीं, हम कल जो है वो नोट विद नोट्स ही करेंगे। ठीक है, मतलब जल्दी से कर लेंगे, अदरवाइज फिर मतलब ऐसा हुआ कि क्लासेस फिर भी कम पड़ी तो क्या होगा कि मेरे को एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ेंगी, बस, बट कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, ओके ओके।